यह वीडियो एक मैग्नेट की तरह है जिसकी तरफ आप खींचे चले आओगे हेलो एवरीवन मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स मैग्नेटिज्म एंड मैटर का वन शॉट वीडियो हमेशा की तरह खत्म करेंगे पूरे लेसन को को सिर्फ एक एक वीडियो वीडियो में और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हाब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एबसोल्यूटली फॉर फ्री एट लर्नो So, तैयार है सभी लोग लेट्स गेट स्टार्टेड तो बच्चों मैग्नेट ये शब्द आया कहां से तो मैग्नेट वर्ड डिराइव किया गया ग्रीस के एक आइलैंड के नाम पर जिस आइलैंड का नाम था मैग्नेशिया मैग्नेशिया उस आइलैंड का नाम इसलिए था क्योंकि उस आइलैंड के नीचे पाए जाते थे मैग्नेटिक नेचर के ओर के डिपोजिट्स ठीक है तो ये जो कहानी है ये 600 हंड्रेड बी की कहानी है यानी कि बहुत 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 हजारों साल पुरानी कहानी है जब मैग्नेशिया आइलैंड में जो शेफर्ड अपने शीप को चढ़ाने जाते थे वो ये कंप्लेन करते रहते थे कि वो वहाँ पर आराम से इधर उधर चल फिर नहीं पाते उनका यह कहना था कि उनके जो वुडन शूज़ थे जिनमें नेल्स लगे होते थे उसे पहनकर वो एक जगह से दूसरी जगह कंफर्टेबली मूव नहीं कर पाते थे क्यों क्योंकि उनके जो शूज़ हैं वो ग्राउंड से अट्रैक्टिड हो जाते थे ग्राउंड के साथ काइंड ऑफ चिपक जाते थे तो बड़ी मुश्किल से उन्हें हटाना पड़ता था और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था और यही सेम कहानी थी उनके डंडों के साथ भी क्योंकि उनके जो स्टिक्स थे उनके भी टिप पर लगे होते थे आयरन जिसकी वजह से वो भी जो है ग्राउंड से अट्रैक्टेड फील करते थे Right? तो इससे हमें क्या पता चला इससे यह बात सामने आई कि उस आइलैंड के नीचे जिस ओर का डिपॉजिट है इन नेचर बिकॉज ऑफ विच दे अट्रैक्टेड द आयरन नेल्स एंड द आयरन टिप ऑफ द रॉड तो देखो मैग्नेटिज्म की जो कहानी है वो आज की नहीं है वो कई साल पुरानी कहानी है हमारे मैग्नेटिज्म की कहानी तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है चाहे फ्रिज मैग्नेट हो या बार मैग्नेट या फिर मेट्रो ट्रेन के दरवाजे सब जगह मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है इतना ही नहीं बहुत से डिवाइसेस के अंदर भी मैग्नेट्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर बट आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म की लेकिन आज की कहानी हम शुरू करेंगे विथ मैग्नेट्स तो बच्चों आज फिजिक्स की क्लास नहीं है आज क्लास है स्टोरी टेलिंग की तो अभी हमने कहानी सुनी ग्रीस की अब मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूं चाइना की तो अक्सर ही हम लोग ऐसा कहते हैं राइट कि जब कभी भी एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है राइट ये एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है जो हम सबको पता है लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैग्नेट की ये जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है ये कई कई हजार सालों पहले भी लोगों को पता थी एग्जैक्टली exactly. तो यही मैं सुनाऊंगी एक कहानी तो चाइना की ये कहानी है करीब चार हजार साल पुरानी जब एक चाइनीज एम्पर जिनका नाम था हुई वो अपने दुश्मनों पर विक्ट्री लेकर आए थे मतलब दुश्मनों पर वो विजय पाए थे एक युद्ध में और उसका पूरा क्रेडिट जाता है किसको राजा को नहीं सिपाही को भी नहीं डिरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट को एग्जैक्टली exactly. तो उस राजा का जो शारीयर था जो उनका रथ था उसको उनके इंजीनियर्स ने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया था कि उसके सामने लगा दिया था एक मैग्नेट तो अब मैग्नेट जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताएगा तो एक स्टैचू लगा दिया गया जो यूँ अपना हाथ पॉइंट करता रहता था और वो हमेशा उस रथ को साउथ डिरेक्शन दिखाता गया और उस डिरेक्शन के को फॉलो करते हुए जो ये राजा की जो आर्मी थी ये अपने एनिमी आर्मी को पीछे से अटैक करके उस War को जीत गई राइट सो पूरा क्रेडिट इनफैक्ट उस राजा ने खुद इस पूरे जीत का क्रेडिट किसे दिया मैग्नेट को तो नहीं दिया इस पूरे जीत का क्रेडिट उसने अपने इंजीनियर्स को दिया जिन्होंने उस रथ को डिजाइन किया था एंड उन इंजीनियर्स ने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स तो देखो मैंने बताया था ना कि मैग्नेट्स की जो कहानी है ना यार ये बहुत 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 पुरानी कहानी है पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मूविंग चार्जेस की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है सो so, मेजरली हमने मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स को डिस्कस किया था आज का हमारा एजेंडा है मैग्नेट्स के बारे में पढ़ना मैग्नेट्स क्या होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना विच इज अर्थ एज अ मैग्नेट मतलब अपना ये जो अर्थ है ना ये अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है यस साउंड्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिसे हम पढ़ेंगे इतना ही नहीं हम ये भी पढ़ेंगे कि जितनी भी, भी चीजें हमें हमारे आसपास दिखती हैं उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे तो ये हमारा लगभग लगभग एजेंडा है ठीक है तो शुरुआत किससे करेंगे ऑब्वियसली बेसिक्स से और बेसिक्स क्या है मैग्नेट तो शुरू करेंगे बार मैग्नेट के साथ बार मैग्नेट वो वाला बार नहीं है बार मैग्नेट ये है एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट दैट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड देखो ये रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है वो तो आपको दिख ही रहा होगा दिख ही रहा है ओके और इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है इसके चारों तरफ मतलब ये उस स्पाइडर की तरह है जिसने अपने आसपास जाल बिछा रखा है जैसे ही कोई दूसरा कीड़ा आएगा वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा और उस जाल में फंस जाएगा जैसे मान लो मैंने ये सेफ्टी पिन लिया देखो सेफ्टी पिन जब तक दूर है ये मेरे हाथ में है इसको कुछ फर्क नहीं हो रहा है कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है उसको फोर्स लेकिन जैसे जैसे मैं इसे इसके पास लेके जाती हूँ जब इसको मैं इसके काफी पास लेके आती हूँ तो क्या हो रहा है देखो ये खुद से अट्रैक्ट हो रहा है देखा आपने फिर से देखो बहुत पास लेके गई मैं धक्का नहीं मार रही हूं ये खुद से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है देखो फंस गया कीड़ा जो है वो मकरे के जाल में फंस गया ठीक उसी तरह देखो यहां पर दिख रहा है आपको ये जो सेफ्टी पिन है वो इस बार मैग्नेट के साथ चिपक गया है क्यों क्योंकि ये अट्रैक्टेड हो गया क्यों अट्रैक्टेड हो गया क्योंकि इस बार मैग्नेट के आसपास इसका मैग्नेटिक फील्ड है तो जहां हम बात शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट की तो सबसे पहला प्रॉपर्टी एक बार मैग्नेट का ये होता है कि इफ वी सस्पेंड फ्रीली सस्पेंड अ बार मैग्नेट लाइक दिस इट ऑलवेज अलाइंस इट इन द नॉर्थ साउथ डिरेक्शन ठीक है तो अगर आप इस फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट को देखो तो देखो किस कैसे डायरेक्शन है इसका मतलब इसको मैं कैसे भी रखूँ ना जैसे देखो अभी अगर इसको ऐसे घुमा भी दूँ ना मैं कैसे भी इसको रखूँ बट ये घूम फिर के यही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा ठीक है ये जो रेड एंड है दैट इज नॉर्थ द ब्लू एंड इज साउथ ठीक है तो ये किधर पॉइंट कर रहा है तो बेसिकली बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ बिकॉज हमारा अर्थ जो है वो अपने आप में ही एक मैग्नेट है तो अर्थ का भी एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है एक मैग्नेटिक साउथ पोल है जिसके अकॉर्डिंग ये बार मैग्नेट खुद को अलाइन करता है तो फिलहाल ये ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में जब हम अर्थ मैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे बट फिलहाल आप ये जान लो कि जो ज्योग्राफी ज्योग्राफी के हिसाब से जो हमारा नॉर्थ है और साउथ है वो नॉर्थ इस तरफ है और साउथ इस तरफ है तो इसीलिए देखो बार मैग्नेट ने किस डायरेक्शन में खुद को अलाइन किया है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अगर बात करें दूसरे प्रॉपर्टी की तो दूसरा प्रॉपर्टी यह कहता है कि कभी भी किसी मैग्नेट में आइसोलेटेड पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट मतलब जैसे मेरे हाथ में ये बार मैग्नेट है राइट इसका यह नॉर्थ पोल है तो यह साउथ पोल है है अब मैं बोलती हूँ नहीं मुझे ना साउथ पोल पसंद नहीं है तो एक काम करते मुझे सिर्फ ऐसा मैग्नेट चाहिए जिसमें सिर्फ नॉर्थ पोल हो तो मैंने सोचा क्या करें क्या करें एक काम करते हैं इसको बीच में से काट देते हैं काट देते हैं नॉर्थ पोल मुझे पसंद है तो नॉर्थ मैं रख लूँगी राइट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया बट ऐसा कभी हो नहीं पाएगा क्योंकि अगर मैं इसे बीच से तोड़ भी दूं तो मुझे क्या मिलेगा एक मैग्नेट को तोड़ूंगी मुझे दो मैग्नेट्स मिल जाएंगे मतलब इधर वाले टुकड़े में भी नॉर्थ साउथ बन जाएगा इधर वाले टुकड़े में भी साउथ नॉर्थ बन जाएगा उसको फर्दर तोड़ दूंगी तो मुझे फर्दर और मैग्नेट्स मिल जाएंगे तो बोलने का मतलब है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक पोल एग्जिस्ट करे तो नॉर्थ और साउथ पोल ये हमेशा जोड़े में एग्जिस्ट करते हैं मतलब वो फेविकॉल का जोड़ हम सुनते हैं ना जो टूटता नहीं है तो कुछ वैसा ही है तो आइसोलेटेड पोल्स नेवर एग्जिस्ट तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट मतलब नॉर्थ नॉर्थ अपने एक दूसरे से भागेंगे साउथ साउथ एक दूसरे से भागेंगे लेकिन नॉर्थ साउथ एक दूसरे के पास आएंगे करके देखना है चलो देखें यहां पर एक मैग्नेट ऑलरेडी है ठीक है अब देखो ये ब्लू जो एंड है दैट इज माई साउथ पोल इस साउथ पोल को अगर मैं इस मैग्नेट के नॉर्थ के पास ले जाऊं देखो कैसे मस्त चिपक गए दोनों बिकॉज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट लेकिन वही अगर मैं कहूं कि नहीं एक बार चेक करके देखते हैं कि लाइक पोल्स क्या करते हैं अगर मैं लाइक पोल्स को लेके जाऊं अब देखो मैं रेड वाले एंड को यानी कि नॉर्थ पोल को इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लेके जाती हूं देखो चिपकना तो दूर की बात तो, तो बेचारा भाग रहा है राइट देखो नॉर्थ पोल जो है वो इस नॉर्थ पोल से भाग रहा है वाई बिकॉज लाइक पोल्स रिपेल बार मैग्नेट का एक चौथा प्रॉपर्टी कि यार ये मैग्नेट है हम सबको पता है मैग्नेट सुनते ही हमें क्या लगता है कि सबको खींच लेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा राइट बट लेट मी टेल यू नॉट ऑल मटेरियल्स गेट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट जैसे कि अगर मेरे हाथ में ये जो आयरन नेल है इसको अगर मैं मैग्नेट के पास लेके जाऊं तो ये तो मज़े से चिपक जाएगा मज़े से मैग्नेट इसे अट्रैक्ट कर लेगा लेकिन वहीं अगर मैं इस आयरन नेल के बदले में ये एक प्लास्टिक का नेल सॉर्ट ऑफ कोई भी चीज़ ले लूँ तो ये जो है इसके साथ नहीं चिपक रहा है देखो ये गिर जा रहा है राइट right? ये नहीं चिपक रहा है तो इसका मतलब कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी होती है चीजों में जिसकी वजह से वो मैग्नेट से चिपकते हैं और ये प्रॉपर्टी हर चीज़ की अलग होती है इनफैक्ट इसी वीडियो के अंदर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेसन हम काफ़ी सारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे कुछ सब्सटेंसेस डाया होते हैं कुछ पैरा होते हैं कुछ फेरोमैग्नेटिक होते हैं वगैरह वगैरह तो जब तक हम वहाँ जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब हमें और क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ सब्सटैसेज को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है और कुछ को नहीं तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब एक बार मैग्नेट अगर है तो वहां से जो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं राइट right? Uh, यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि जिस तरह से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं दोनों एंड्स में उसे ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं राइट ठीक उसी तरीके से एक बार मैग्नेट के जो दो एंड्स होते हैं दे आर टू पोल्स ऑफ द मैगनेट एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल अब आप बोलोगे कि मैम ये कहाँ से आप कुछ भी बोल रहे हो कैसे पता हमें कि ऐसा होता है तो चलो फटाफट -फड़ से एक छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम खुद उस एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे कि बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होता है तो यहां मैंने ले लिया है एक बार मैग्नेट और ये है कुछ आयरन फाइलिंग्स जैसा कि हमें पता है कि आयरन फाइलिंग्स इस बार मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं तो मैं अभी क्या करूँगी इन आयरन फाइलिंग्स को यहां पर फैला दूंगी उससे क्या होगा ये बार मैग्नेट इन्हें अट्रैक्ट करेगा और हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखने को मिलेगा मैं बहुत ज्यादा पास नहीं फैला रही हूं क्योंकि ये सारे उसमें चिपक जाएंगे नहीं तो मैग्नेट में और हमें पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स मेरे पास थे नहीं बट अगर आप बहुत सारा आयरन फाइलिंग्स डालोगे तो आप इसे और अच्छे से फील्ड लाइन के पैटर्न को देख सकते हो तो अब जैसा कि आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं इसे टैप कर रही हूँ ना हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और क्लियरली दिख रहे हैं इसमें राइट सो व्हाट डू वी नोटिस फ्रॉम दिस पैटर्न वी सी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप्स राइट हमें यहाँ पर कंटिन्यूस क्लोज लूप्स दिख रहे हैं ढेर सारे राइट एंड दैट्स द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो हमारे लूप्स हैं दे नेवर इंटरसेक्ट और दे नेवर मीट एट एनी पॉइंट चलो तो और डिस्कस करते हैं आगे तो हमने देखा किसी भी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो कैसा फॉर्मेशन होता है वो बनाता है क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप्स राइट right? तो हमने क्या देखा जैसे एक एंड से निकला दूसरे एंड में गया बट अंदर ही अंदर ये पूरा लूप कंप्लीट किया मतलब क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप ऐसा बनाता है इसी को अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल तो क्या फर्क है एक बहुत बड़ा फर्क है बाहर से देखने में दोनों सिमिलर जैसे लगते हैं बट जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं वहां पर क्या होता है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज में जाके खत्म हो जाती हैं वहां पर क्लोज्ड लूप्स नहीं होते पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव में खत्म पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव में खत्म लेकिन बार मैग्नेट के, के केस में ऐसा नहीं होता है एक तरफ से शुरू दूसरे तरफ में खत्म नहीं होता है उसके बाद भी वो अंदर जो है क्लोज कंटिन्यूअस लूप बनाता है विच इज वेरी सिमिलर टू द पैटर्न इन अ सोलिनॉइड अब देखेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज सबसे पहला प्रॉपर्टी तो दे फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस लूप इसका मतलब बाय नाउ सबको समझ में आ गया होगा दूसरी प्रॉपर्टी पर चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि यार अगर मैग्नेटिक फील्ड का मुझे डायरेक्शन निकालना हो किसी भी पॉइंट पर तो मैं क्या करूं देखो अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न पता है जिस भी पॉइंट पे तुम्हें नेट मैग्नेटिक फील्ड का डिरेक्शन निकालना है उस पॉइंट पे जाओ वहां पर एक टैंजेंट बनाओ ठीक है और वो टैनजेंट जो है वो तुम्हें देगा द डेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट मतलब अगर तुम्हारा यू है मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो किसी भी पॉइंट पर तुम टैंजेंट बनाओ इस पॉइंट पर टैनजेंट यू बना सो दिस इज द डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर टैनजेंट यू बना सो दिस इज द डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे जो टैनजेंट होता है वो हमें डिरेक्शन देता है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखते हुए हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग है कौन सा कम स्ट्रांग है वेल दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ठीक है तो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डेंसिटी में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दिख रहे हैं तो समझ जाओ कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग है इनफैक्ट इसी कॉन्सेप्ट से हम बड़ी आसानी से यह समझा सकते हैं कि क्यों जो है हमारे लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं मतलब नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं अट्रैक्शन की वजह अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे फोकस करो तो देखो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में कितना डेंसीफाइड है कितने ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं इसका मतलब इन दोनों पोल्स के बीच में बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है एंड देयर अट्रैक्शन दूसरी तरफ अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के बीच की बात करें तो उस रीजन में आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखो क्या दिख रहा है वहां पर लाइंस ही नहीं है है यार बीच का जगह तो पूरा खाली राइट right? तो लाइंस ही नहीं है नंबर ऑफ लाइंस इज वेरी लेस दैट मीन द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक दैट देर फोर द रिपल्शन बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल चौथी प्रॉपर्टी लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर एवर इंटरसेक्ट ऐसा क्यों अभी अभी मैंने बोला था कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो तुम टैंजेंट बनाओगे वो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा अब मान लो अगर दो मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस जो लाइन इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट दोनों फील्ड लाइन का पार्ट है तो अगर उस पॉइंट पर हम टेंजेंट बनाएंगे तो घपला हो जाएगा राइट right? क्योंकि वो यूनिक नहीं रहेगा राइट right? वो पॉइंट क्योंकि वो पॉइंट दोनों लाइंस को बिलोंग करता है तो उस पॉइंट पे तुम जो भी टेंजेंट बनाओगे वो दोनों लाइंस के लिए डायरेक्शन हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की जो कि पॉसिबल नहीं है एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है इसीलिए एक एक पॉइंट पर ही टेंजेंट बन सकता है एंड दैट्स द रीजन दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक व्हिच इज अ करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मैं कुछ ऐसा कहना चाह रही हूँ कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर लूप हो जो करंट कैरी कर रहा हो सो दैट सर्कुलर करंट कैरिंग लूप विल एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल अब आप सोच रहे होंगे कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के साथ एक मैग्नेटिक डाइपोल का कुछ दूर दूर तक रिलेशन समझ नहीं आ रहा है लेकिन अब समझ आएगा ठीक है सो लेटर सपोज कि हमारे पास एक इस तरह का करंट लूप है सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डिरेक्शन में यू राइट सो रिमेंबर दिस डिरेक्शन जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ओके okay. तो यहां पर दो बहनें हैं सीता और गीता सो लेट्स से दिस इज सीता तो जब सीता इस लूप को देख रही है तो सीता को क्या दिख रहा है कि करंट यूं फ्लो कर रहा है और सीता को राइट हैंड रूल के बारे में पता है तो सीता को दिख रहा है कि करंट जो है वो इस डिरेक्शन में फ्लो कर रहा है यानी कि एंटी क्लॉक में विच मीन्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सीता के तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड का डिरेक्शन अब बात करते हैं गीता की गीता को वही लूप दिख रहा है लेकिन गीता जो है लूप के इस साइड है तो गीता को क्या दिख रहा है लूप में करंट अभी भी यू मूव फ्लो कर रहा है राइट तो गीता जब अपना राइट हैंड रूल लगा रही है तो गीता को दिख रहा है कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो एज अ रिजल्ट गीता के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सीता की तरफ होना चाहिए तो इसका मतलब बच्चों सीता और गीता दोनों के हिसाब से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो सीता के तरफ होना चाहिए एंड मैथमेटिकली इट इज डिराइव्ड एंड फाउंड दैट मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई टू एम बाई एक्स क्यूब यहां पर m क्या है m इज नथिंग बट द मैग्नेटिक मोमेंट अब आप पूछोगे मैग्नेटिक मोमेंट कहां से आ गया हमने बहुत पहले पढ़ा था राइट कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है सो देयर इज मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इट तो यहां पर भी सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है that means बहुत सारे charges flow कर रहे लूप इंटू एरिया ऑफ द लूप करेक्ट ठीक है अब फोकस करूँ इस एक्सप्रेशन पे क्या इस एक्सप्रेशन को देखकर किसी और एक्सप्रेशन की याद आ रही है याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद करने की कोशिश करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ ऐसा ही एक एक्सप्रेशन हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जहां पर हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू वन बाई फोर बाई एपसाइलन नॉट इन टू टू पी बाई एक्स एस क्यूब अब इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करो मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक मोमेंट है और जो कांस्टेंट है वो बदल गया है राइट right? इससे क्या पता चला जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक्सप्रेशन है ये किसका एक्सप्रेशन है दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला एक्सप्रेशन अभी अभी हमने बताया ये किसका एक्सप्रेशन होना चाहिए ये मैग्नेटिक डाइपोल का एक्सप्रेशन होना चाहिए आप बट हम किसकी बात कर रहे थे हम तो एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की बात कर रहे थे विच एक्चुअली मीन्स दैट अ करंट कैरिंग लूप एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल अब जहां मैं मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर रही हूं वहां पे दिमाग में तुरंत घंटी बजती है कि फिर तो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल भी होना चाहिए था तो कौन सा वाला नॉर्थ पोल है और कौन सा वाला साउथ पोल है जिधर सीता खरी थी वो साउथ पोल है कि जिधर गीता खरी थी वो साउथ पोल है राइट right? तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल uh, सा कन्वेंशन हम जनरली फॉलो करते हैं कि जिधर से हमें करेंट एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए दिख रहा है दैट इज नॉर्थ पोल राइट right? देखो एन को अगर लिखो एन को यूं खींच दो तो देखो कौन सा डायरेक्शन आ रहा है करंट का एंटी क्लॉकवाइज जिधर से करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता हुआ दिख रहा है दैट इज योर साउथ पोल देखो ना एस के दोनों एंड्स को यूं घुमा दो तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता हुआ दिख रहा है करेक्ट तो आई थिंक विथ दिस एवरीबडी इज कन्विंस्ड की एक सर्कुलर लूप जो है एक करेंट लूप जो है दैट एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल इनफैक्ट जो सिंपलेस्ट पॉसिबल मैग्नेटिक एलिमेंट है दैट इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक डाइपोल या फिर अ करेंट लूप अब आप पूछोगे कि सबसे सिंपलेस्ट जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल क्यों है मैग्नेटिक मोनोपोल्स मैग्नेटिक मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट नॉर्थ और साउथ को तो अलग कर ही नहीं सकते राइट बीच में से तोड़ भी देंगे तो वापस से नॉर्थ साउथ बन जाएगा फिर से तोड़ देंगे फिर से नॉर्थ साउथ बन जाएगा राइट तो इसीलिए सिंपलेस्ट पॉसिबल मैग्नेटिक एलिमेंट इज ऑलवेज अ मैग्नेटिक डाइपोल तो बच्चे एक बात बताओ जो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को हमने देखा और हमने क्या देखा कि बार मैग्नेट का जो फील्ड लाइन्स का पैटर्न है दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अ अइड राइट और ये जो सिमिलैरिटी है ना ये हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात की तरफ इशारा करती है और वो बात ये है कि क्या इसका ये मतलब है कि हम मान सकते हैं कि एक बार मैग्नेट जो है दैट इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सर्कुलेटिंग लूप्स सोलिनोइड क्या होता है ऐसे 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 मल्टीपल सर्कुलर लूप्स होते हैं राइट जिसमें करंट फ्लो कर रहा होता है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो मेरा एक बार मैग्नेट है ना दैट इज मेनी सर्कुलेटिंग लूप्स अरे यू ही नहीं कह रही हूं देर बिटवीन दिस बार मैग्नेट एंड दोलेनॉइड अगर एक बार मैग्नेट के बीच में हथौड़ा मारके इसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो क्या होगा मुझे मिलेगा दो बार मैग्नेट्स राइट ठीक उसी तरीके से अगर हथौड़ा मार दू तो क्या मिलेगा तब भी मुझे मिलेगा दो सोलनॉइड विद वीकर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो चलो अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ अ एट फार एक्सियल पॉइंट मतलब इसी की एक्सिस पे सो लेट्स से ये मेरा सोलेनोइड है ये इसका एक्सिस है तो इसी एक्सिस पे कहीं दूर जाके अगर कोई पॉइंट पी है ठीक है एज्यूमिंग दैट इट इज अ फार एक्सियल पॉइंट यानी कि इसके सेंटर से ये काफी दूर लाई कर रहा है लेट से दिस डिस्टेंस इज आर तो ये जो आर की जो वैल्यू है ये इस सोलेनॉइड के रेडियस से काफी ज्यादा है ठीक है तो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकलेगी एज्यूमिंग की लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज टू एल एज्यूमिंग की नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल एन सो स्मॉल एन जो है दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इस पे ध्यान देना है बहुत बार जो है बच्चे सोचते हैं कि एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं जब हम कैपिटल एन लिखते हैं ये मेरे गिवन चीजें हैं तो जब मैं एक फार एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालती हूं सो इट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू टू एम बाई आर क्यूब ठीक तो है म्यू नॉट बाई फोर पाई तो एनी वेज कॉन्स्टेंट हमें पता ही है आर क्यूब हमें ही रहा है कि आर क्या है जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सोलरइट ठीक है वॉट अबाउट एम ये एम क्या है वेल एम इज मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट मैथमेटिकली क्या होता है ये होता है एन इंटू आई इंटू ए जहां पर कैपिटल एन लिखा है मैंने यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करेंट इनटू एरिया ऑफ द लूप मतलब इसका लॉजिक कहां से आता है मैग्नेटिक मोमेंट का हमें पता है कि एक चार्ज पार्टिकल भी अगर रोटेट करता है एक ऑर्बिट में तो उसके साथ एसोसिएट होता है एक मैग्नेटिक मोमेंट विच इज गिवन बाय आई इंटू ए तो यहाँ पर क्या है बहुत सारे वैसे टर्न्स है राइट right? एक दो तीन चार ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्न्स है सो देयर फोर एम इज इक्वल टू कैपिटल एन इंटू आई इंटू ए जिसे अगर हम स्मॉल एन के टर्म्स में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विल बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू द टोटल लेंथ ऑफ द दोलोनॉइड ठीक है so, ऐसे भी लिख सकते हैं आई इंटू ए ए क्या हो जाएगा ए विल बी द एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप यानी कि पाई आर स्क्वायर एज्यूमिंग की ए जो है दैट इज द रेडियस ऑफ ईच लूप ये अगर ए है सो दिस विल बी पाई ए स्क्र ठीक है तो हमने क्या देखा कि भाई एट अ फार एक्सियल पॉइंट एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है ना इंटरेस्टिंगली एक्सपेरिमेंटली ऐसा फाइंड किया गया कि फार एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ बार मैग्नेट इज सेम एज दैट ऑफ अ सोलेनॉइड तो बार मैग्नेट क्या भी एक फार एक्सियल पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं मतलब जस्ट एज्यूम सोलेनोइड ना होकर एक बार मैग्नेट अगर होता उस केस में भी एक फार एक्सियल पॉइंट पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होता ठीक है इतना ही नहीं ये भी देखा गया कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट इज ऑल्सो सेम एज दैट ऑफ द सोलेनॉइड अभी अभी हमने मैग्नेटिक मोमेंट की बात करी यहां पर राइट तो ये मैग्नेटिक मोमेंट भी जो है सोलेनॉइड का और बार मैग्नेट का सेम है सो फाइनली विथ ऑल दिस एक्सप्लेनेशन हम लोग कन्विंस्ड हैं इस बात से कि एक बार मैग्नेट कैन बी कंसीडर्ड एज अ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग करेंट्स एनालॉगस टू अ सोलिनॉइड अब बच्चों होता यह है कि बहुत बार बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि ठीक है बार मैग्नेट जो है इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ठीक उसी तरह जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू होता है राइट तो कई बार बच्चे उसके साथ रिलेट करते हुए ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ठीक है तो ऐसा मान सकते हैं कि यार नॉर्थ पोल में एक चार्ज है प्लस क्यू एम साउथ पोल में एक चार्ज है माइनस क्यू एम मान लेते हैं कि मैग्नेट का जो लेंथ है दैट इज़ टू एल तो इन एजाम्शंस को लेके चलते हुए हम बड़ी आसानी से मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक उसी तरह जैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में करते थे राइट बट बट रुक जाओ लेट मी टेल यू कि ये जो अप्रोच है है तो आसान इस अप्रोच से शायद कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर्स भी सेम मिलेंगे बट दिस अप्रोच इज नॉट करेक्ट रीजन बीइंग हमें पता है एक बेसिक्स ऑफ फंडा कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक सिंगल चार्ज कैन एग्जिस्ट लेकिन मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट में एक मोनोपोल सिर्फ नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है ये हमेशा जोड़े में ही एग्जिस्ट करते हैं चूंकि ये जोड़े में ही एग्जिस्ट करते हैं तो हम ऐसी बातें नहीं कर सकते ना कि सिर्फ नॉर्थ पोल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है कि सिर्फ साउथ पोल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है राइट तो मतलब हम ऐसी बातें नहीं कर सकते एंड दैट्स द रीजन वी डू नॉट फॉलो दैट अप्रोच टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट तो बच्चों जब हमने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट विथ आयरन फाइलिंग्स उससे हमें मैग्नेटिक फ़ील्ड लाइंस का तो आइडिया लग गया कि भाई अगर एक मैग्नेट है तो उसके मैग्नेटिक फ़ील्ड लाइंस कैसे होते हैं क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप बनाते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो ये सारी बातें हमें पता लग गई लेकिन वॉट इफ़ कि मुझे अगर एग्जैक्टली मैग्नेटिक फ़ील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना हो कि कितना स्ट्रेंथ है कितना मैग्नीट्यूड है कितनी वैल्यू है बी की मैग्नेटिक फील्ड की तो मैं क्या करूंगी राइट right? तब मैं क्या करूँगी क्योंकि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसे सेम अप्रोच तो नहीं ले सकते तो यहाँ पर हमने क्या किया एक कंपास का नीडल लिया, ठीक है उसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर हमने उस कंपास के नीडल को डाल दिया तो उस नीडल के साथ क्या होगा वो नीडल ऑसिलेट करेगा वो टर्न करने लगेगा क्यों घूमेगा वो क्योंकि उसके ऊपर टॉर्क एक्ट कर रहा होगा राइट टॉर्क कितना टॉर्क टॉर्क एक्ट कर रहा होगा इज इज गिवन बाय क्रॉस दैट थीटा राइट ये ये सारे हमने पढ़े हैं पिछले वीडियो में राइट तो इस वाले नीडल के ऊपर अच्छा एक बात और बता दूं जब भी नीडल की मैं बात कर रही हूं तो आप नोटिस करोगे कि उस नीडल का एक तरफ ब्लू और दूसरे तरफ रेड है जैसे कि इस बार मैग्नेट का है तो बार मैग्नेट के, के केस में भी जो ब्लू वाला साइड होता है उसे हम साउथ मान के चलते हैं रेड वाले साइड को नॉर्थ तो वही कन्वेंशन हम इस नीडल के केस में भी फॉलो करते चलेंगे तो बच्चों अब हम क्या करेंगे अब मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यानी कि बी की वैल्यू एज्यूम ये करते हुए चलेंगे कि ये जो नीडल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई इसका मैग्नेटिक मोमेंट है एम ठीक है तो कैलकुलेशन के लिए तैयार हो चलो करें तो बच्चों अभी अभी हमने क्या देखा कि ये नीडल को जैसे ही हम इस मैग्नेटिक फील्ड बी में डाल देंगे तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा ये एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क विच इज गिवन बाई एम क्रॉस बी यानी कि इसे हम लिख सकते हैं एम बी थीटा अब ये जो टॉर्क है ये टॉर्क क्या कर रहा है ये टॉर्क इस नीडल को रोटेट करा रहा है राइट दैट इज टॉर्क तो इस टॉर्क को हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अब इस टॉर्क को भी मैं एक अलग से नाम क्यों दे रही हूँ वो अभी पता चलेगा सो दिस टॉर्क इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस टॉर्क की वजह से ही हमारा ये नीडल जो है ये डिफ्लेक्ट कर रहा है वन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड नाउ जहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ जाता है पिक्चर में वहीं पे कहीं ना कहीं रहता है मेरा रिस्टोरिंग टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है जैसे मान लो आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाला इसने टॉर्क एक्सपीरियंस किया ये अपनी जगह से घूम गया अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो गया लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड अगर हट जाए तो ये वापस अपने जगह पे आ जाएगा तो वापस कौन लेके आता है रिस्टोरिंग टॉर्क तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आई इंटू एल्फा राइट हमें पता है टॉर्क का ये जो रिलेशन होता है हमने रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ा था करेक्ट सो रिस्टोरिंग टॉर्क इज गिवन बाय आई इंटू एल्फा जहाँ पर आई क्या है आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन ठीक है तो चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे I क्या है यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जिन बच्चों ने साथ में मेरे रोटेशनल uh, डायनेमिक्स नहीं पढ़ा था क्लास इलेवेंथ में उन्हें शायद थोड़ी समझने में दिक्कत हो रही है बट उस लेसन में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी एंड व्हाट इज़ अल्फा अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन अब भाई यहाँ रोटेशनल मोशन की ही बात हो रही है ना क्योंकि हम घूमने की बात कर रहे हैं राइट ये जो मेरा निडल है ये घूम जा रहा है ठीक है अब बात करते हैं कि क्या होगा इक्विलिब्रियम पर मतलब यहां पर मैंने दो टॉर्क की बात करी एक टॉर्क तो ये है जो इसे घुमा दे रहा है राइट और दूसरा टॉर्क ये है जो इसे वापस अपनी जगह पे लेकर आ रहा है ठीक है तो क्या होगा इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम पर आइडियली दोनों बराबर होने चाहिए ताकि जो मेरा नीडल है वो जहां पे है वहीं पे रहे ना तो वो डिफ्लेक्ट हो ना ही वो रिस्टोर हो है कि नहीं सो इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा कि जो मेरा एम बी साइन थीटा है ये किसके बराबर हो जाएगा आई एल्फा राइट right? अच्छा यहां पर भी मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक करके लिख सकती हूँ व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है तो ये हो जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम ठीक है अब एंगुलर वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ वेलोसिटी को हम क्या लिख हैं लिखते चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टाइम तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम तो यानी कि इसको लिख सकते हैं डी स्क्र थीटा बाई डी टी स्क्र क्योंकि ओमेगा की जगह हम डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं है, है कि नहीं तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू मेरा रीस्टोरिंग टॉर्क अब ये जो दोनों टॉर्क है ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं इसीलिए यहां पे मैंने डाल दिया एक नेगेटिव साइन मतलब एक अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो दूसरा इसे वापस क्लॉकवाइज घुमा रहा है राइट तो यहां तक कोई डाउट नहीं है ओके okay. अब मान लो अब ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ना मतलब जो थीटा है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा तो नहीं है राइट क्योंकि कितना घूम जा रहा है ऐसा नहीं कि एकदम डिग्री घूम जा रहा है राइट सो एज्यूमिंग कि थीटा की वैल्यू अगर बहुत छोटी है सो फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा हम मैथमेटिकली साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं फॉर वेरी स्मॉल थीटा हम इसे थीटा लिख सकते हैं राइट इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा कैन बी अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न एज थीटा तो मैं इसे लिख सकती हूँ माइनस एम बी थीटा इज इक्वल टू आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायेयर तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ डी ध्यान इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा देखो क्या इस इक्वेशन को देख के को, कोई भी ऐसा जनरल इक्वेशन याद आता है कोई भी ऐसा इक्वेशन इस तरह का इक्वेशन कहीं देखा हुआ याद आता है सोचो 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 क्लास इलेवंथ में पहुंच जाओ अब आप बोलोगे इलेवंथ में तो बहुत कुछ पढ़ा है फिजिक्स में है ना तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इट द सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन एस एच एम का जो इक्वेशन होता था जिसका जनरल फॉर्म होता था डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स यहां पर एक्स क्या है एक्स इज नथिंग बट थीटा करेक्ट दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो ये एस एच एम का इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि यहां पर जिस तरह का इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है अब मैथमेटिकली हम क्या कह सकते हैं देखो अगर एस एच एम के जनरल इक्वेशन के साथ हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो मेरा पोर्शन है दिस कैन बी इक्वेटेड टू दिस तो माइनस एम बी बाई आई जो है वो एक तरीके से ओमेगा स्क्वायर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है राइट तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो मुझे क्या मिली मुझे ये मिली कि यहाँ पर मोशन जो है वो किस तरह का मोशन है मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। ये मेरा नंबर वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था अब दूसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे ये मिल रहा है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है साथ ही साथ इन इक्वेशन को कंपेयर करके मैं देख रही हूँ कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर एम बी बाई आई यानी कि इससे मैं b की वैल्यू निकाल सकती हूँ विच विल बी ओमेगा स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई एम ठीक है अब ओमेगा को मैं क्या लिख सकती हूँ ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो इसे मैं लिख सकती हूँ टू पाई बाई टी राइट सिंपल हार्मोनिक मोशन में के टर्म्स में बात कर रही हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओमेगा क्या होता है अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन पे पहुंच जाए सो ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम टू पाई न्यू लिखते हैं टू पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी न्यू को हम लिख सकते हैं वन अपॉन टी राइट ये रिलेशन हमने पढ़े हैं बेसिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन के तो उसी का यूज करके यहाँ पर भी मैं टू पाई बाई टी का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ इंटू आई बाई एम So, यानी कि B की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चलो मैग्नेटिक फील्ड की कहानी तो खत्म हुई अब बात करेंगे हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की अब ये पोटेंशियल एनर्जी किस बात का सो so, बेसिकली ये जो मैग्नेटिक डायपोल ये जो हमने कैप कम्पास को डाला मैग्नेटिक फील्ड में तो इसके साथ क्या हुआ इसने टॉर्क एक्सपीरियंस किया तो ये डिफ्लेक्ट किया तो बेसिकली ये घूमना शुरू किया तो इसने एस एच एम जैसा मोशन शो किया ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिसका ये मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक मेरा डायपोल है ये जो कंपास है दिस विल प्रोजेस सम एनर्जी वेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड तो ये जो एनर्जी ये पोजेस करेगा मैग्नेटिक फील्ड में इस एनर्जी को हम कहते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एनी क्या होता है जो भी एनर्जी हम पोजिश हम पोजेस करते हैं बाई वर्च्यू ऑफ आर पोजिशन तो यहां पर जो भी एनर्जी ये मेरा जो कंपास है मेरा जो मैग्नेटिक है बेसिकली वो जो भी एनर्जी प्रोजेस करेगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी तो इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से लेकिन एक छोटा सा सब्सक्रिप्ट डाल देते हैं एम जस्ट टू फोकस ऑन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ठीक है अब देखो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं सो so, टॉर्क हमने निकाल लिया राइट अब टॉर्क की वजह से जितना रोटेशन हो रहा है दैट इज टॉर्क इंटू डी थीटा इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल लीनियर पोटेंशियल एनर्जी के साथ इसको रिलेट कर सकते हो जैसे लीनियर केस में ऐसे नॉट 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 लीनियर इन इन जनरल इफ आई डोंट टॉक अबाउट मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मली भी हम पोटेंशियल एनर्जी जब निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं राइट एफ डी एक्स

तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अब देखो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज होती रहेगी जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो चलो यहां पर कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं तो सबसे पहले तो वो केस देखते हैं जब हमारा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो होगा जीरो कब होगा तब थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए अब देखो यूएम की वैल्यू जीरो होने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए तो so, देखो सबसे पहले हम देखेंगे केस वन जब यूएम um की वैल्यू जीरो है ठीक है अब यूएम um की वैल्यू जीरो होने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए खुद सोच के देखो देखो ये सारे मेरे पॉसिबल ओरिएंटेशंस है तो अब खुद देखो यूएम um जब जीरो होगा तो उस समय कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए कॉस थीटा जीरो कब होता है जब थीटा की वैल्यू नाइन्टी डिग्री हो राइट right? तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मतलब जो मेरा नीडल है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अब भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है है ना तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए इसको है कि नहीं तो जब परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन होगा उस समय मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो उसी तरह मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम कब होगी मिनिमम अब आप पूछोगे कि जीरो मिनिमम नहीं था क्या नहीं बिल्कुल उससे भी कम जा सकती है इसकी वैल्यू जैसे कि देखो कब जब हम थीटा की वैल्यू को जीरो ले लें ठीक है सो अस सपोज थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री तो उस केस में यूएम की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस जीरो जो है दैट इज वन सो यूएम की वैल्यू हो जाएगी माइनस एम बी तो यहां पर मेरी एनर्जी की जो वैल्यू है ना वो नेगेटिव में है करेक्ट तो थीटा जीरो डिग्री है यानी कि कुछ इस तरीके का सिचुएशन है है ना जहां पर मेरा नीडल जो है दैट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ठीक है एंड ये वाला जो सिचुएशन है ये सिचुएशन कैसा सिचुएशन है दिस इज द मोस्ट स्टेबल सिचुएशन मोस्ट स्टेबल क्यों है जब एनर्जी मिनिमम होती है उस समय मेरा जो स्टेबिलिटी होता है वो मैक्सिमम होता है एनर्जी बिल्कुल कम है क्योंकि एवरीबडी वॉन्ट्स टू अटेन दैट मिनिमम एनर्जी कॉन्फिगरेशन सब चाहते हैं कि एनर्जी उनकी मिनिमम हो तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट है तीसरा केस हो सकता है जब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है अब देखो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी जब कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस वन हो राइट सो ओवरऑल थीटा की वैल्यू अगर माइनस वन हो तो मेरा यूएम UM का वैल्यू क्या हो जाएगा ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा थीटा कब होगा जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन डिग्री करेक्ट तो वैसे केस में मेरा कॉस थीटा क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा यानी कि उस समय यूएम UM की वैल्यू हो जाएगी प्लस mb एंड ये जब एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी इतनी ज्यादा वैल्यू रहेगी एनर्जी की तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन तो चलो मैग्नेटिज्म के ऊपर इतने डिस्कशन के बाद एक फटाफट से देखते हैं एनालॉजी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्सेस मैग्नेटिज्म क्योंकि हर चीज में हमने क्या देखा जैसे उधर इलेक्ट्रिक डायपोल था इधर मैग्नेटिक डायपोल था जैसे उधर फार एग्जियल पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी वैसे ही इधर भी थी राइट right? तो मतलब हर चीज का जो है एक एनालॉजी था है ना तो चलो उसको देखते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हम डाइपोल मोमेंट की तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करते थे तो वहां पर डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते थे पी से राइट right? मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम डिनोट करते हैं दैट इज एम विच इज मैग्नेटिक मोमेंट जिसको मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं हम ठीक है सेकेंड हम बात करेंगे इक्वेटोरियल फील्ड की जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जैसे कि प्लस क्यू माइनस क्यू वाला अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है तो किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे उसकी वैल्यू क्या आती थी वन बाई फोर पाई एब्साइला नॉट पी बाई आर क्यूब एज्यूमिंग इसका जो डिस्टेंस है इन चार्जेस से दट इज आर मैग्नेटिज्म में जब हम यही चीज निकालते हैं तो इसकी वैल्यू होती है माइनस म्यू नॉट बाई फोर पाई एम बाई आर क्यूब देखो सारी चीजें सेम है सिर्फ पी के बदले में यहाँ एम आ गया है ठीक है थर्ड हम बात करेंगे एक्सियल <coughs> फील्ड की जैसे ये तो इक्वेटोरियल फील्ड था उसी तरह अगर कोई पॉइंट जो इसके एक्सेस पे लाइक कर रहा है जैसे कि ये पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो एक्सियल फील्ड हम कैसे निकालते थे by by 0, 2p r3. और यहां पर हम हमने देखा था थोड़ी देर पहले okay, इसके बाद क्या बात करेंगे इसके बात करेंगे बाद करेंगे बात हम टॉर्क इन एक्सटर्नल फील्ड सो so, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो टॉर्क होता था दैट वॉज गिवन बाई पी क्रॉस ई वही मैग्नेटिज्म में जो टॉर्क है दैट इज गिवन बाई पी की जगह हमेशा क्या आ जाता है एम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड सो एम क्रॉस बी सो देखो सारी चीजें बिल्कुल एनालॉगस है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था वैसे ही मैग्नेटिज्म में है इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो क्लोजली रिलेटेड है उसके बाद अगर बात करें हम एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड में अभी अभी जो हमने बात करी थी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की राइट right? तो उसी तरह यहां पर भी था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक नॉट मैग्नेटिक बट पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम माइनस पी डॉट से डिनोट करते थे और यहां पर इसे हम डिनोट करते हैं माइनस एम डॉट बी से ठीक है तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म क्लोजली रिलेटेड है तो बच्चों इसी के साथ अब हम बात करने वाले हैं अबाउट गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म Law से कुछ याद आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने लॉ पढ़ा था राइट right? क्या कहता था law? कहता था कि कोई भी भी के लिए integration of e .ds, जिसे हम कहते हैं, क्यू बाई एपसाइल नॉट ठीक है यानी कि अगर लेट लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले तो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में दिस इज हाउ द पिक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अब मान लो हम इस सरफेस वन की बात करते हैं तो इस सरफेस वन में हमें क्या दिख रहा है कि नेट एनक्लोज्ड चार्ज इज जीरो चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें घुस रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकल रहे हैं करेक्ट तो इसके केस में जो हमारा फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू जीरो यहां पर क्योंकि यहां पर कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है सो क्यू इज जीरो लेकिन वहीं अगर मैं सरफेस टू की बात करूं तो देखो सरफेस टू के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज है करेक्ट तो चूंकि पे पॉजिटिव चार्ज है उस सरफेस के अंदर तो यानी कि वहां से जो नंबर ऑफ लाइंस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो निकलेंगे दे विल बी मोर व्हेन कंपेयर टू दोज हु आर एंटरिंग करेक्ट तो इस केस में जो मेरा फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज ये जो टोटल पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज है दैट प्लस क्यू डिवाइडेड बाई अब नॉट ठीक है ठीक इसी तरीके से अब हम मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो मैग्नेटिज्म में हम किसकी बात करेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो मैग्नेटिज्म में किसकी बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की ऑफ कोर्स सो so, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस की कहानी करेंगे यहां पे बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ चीज़ें थोड़ी अलग है यहां पर जो हमारे फील्ड लाइंस होते हैं ये क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप बनाते हैं राइट right? तो अगर मैग्नेटिज्म की पिक्चर को हम देखें तो यहां पर हमें कहीं पर भी जो है चार्ज नहीं दिखता है राइट क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट मोनोपोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है देर इज नथिंग लाइक नॉर्थ पोल अकेले साउथ पोल अकेले ये दोनों जोड़े में एग्जिस्ट करते हैं तो इस पिक्चर में कहीं पर भी हमें कोई चार्ज एनक्लोज नहीं दिखेगा चाहे हम सरफेस वन की बात करें तो वहाँ पर भी जो नेट चार्ज एनक्लोज है दैट इज जीरो चाहे हम सरफेस टू की बात करें तो वहाँ पर भी जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं उतने ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल जा रहे हैं राइट right? तो यहीं से हम कंक्लूड करते हैं दैट इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो एंड दैट्स गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म तो यानी कि अगर इसे हम इन वर्ड्स बताएं सो द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज इक्वल टू जीरो और यही कहता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म तो प्यारे बच्चों अगर हम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि ये जो लॉज हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म दोबारा से हमें यही बात याद दिला के जाती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट कैसे देखो दोनों में फर्क क्या है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ की बात करते हैं तो हमें राइट हैंड साइड में मिलता है Q बाई एबसाइलन नॉट जो कि हमें यह कहता है कि एक आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है Q एक प्लस Q एक माइनस Q अपने आप में अलग से एग्जिस्ट कर सकता है एंड दैट इज वाई वी हैव Q बाई एपसाइलन नॉट ऑन द राइट हैंड साइड दूसरी तरफ जब हम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को देखते हैं तो वहां पर क्यू के बदले में कुछ और क्यों नहीं आया क्योंकि मैग्नेटिज्म में मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट क्यों क्या है एक सिंगल चार्ज है जब दो चार्ज आ जाते हैं साथ में तो बन जाता है डाइपोल राइट इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां पर जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल साथ में होते हैं तो ये क्या बना देता है मैग्नेटिक डाइपोल राइट जो कि एक बार मैग्नेट है लेकिन चूंकि एक सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है इसीलिए वी डू नॉट हैव थिंग लाइक क्यू बाई एपसाइल नॉट इन दिस केस मतलब क्यू का जो मैग्नेटिज्म वाला जो आ, पिक्चर है ना जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नेटिज्म वाला पिक्चर क्या है मैग्नेटिक डाइपोल तो उसी तरह q का जो मैग्नेटिज्म वाला पिक्चर है वो होता ही नहीं है बिकॉज़ मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट तो चलो अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स ये है प्रॉब्लम नंबर वन. अ प्लेनर रूप लूप ऑफ इररेगुलर शेप एनक्लोजेस एन एरिया ऑफ 7.5 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर ठीक है हमारे पास अगर एक इररेगुलर शेप का लूप है कुछ इस तरीके से जिसका एरिया हमें दिया हुआ है इट कैरीज अ करंट ऑफ 12 एंपियर

तो यहाँ पर आई की वैल्यू है ट्वेल्व और ए की वैल्यू है सेवन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस फोर सो वेन वी कैल्क्यूलेट दिसन इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री एम्पियर मीटर स्क्वायर तो ये तो हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं राइट हैंड रूल राइट तो चूंकि करंट मेरा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो चारों फिंगर्स को क्लॉकवाइज रोल कर दो तो थंब मेरा किधर पॉइंट कर रहा है डाउनवर्ड्स तो यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो डिरेक्शन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द लूप डाउनवर्ड्स चलो देखिए प्रॉब्लम नंबर अ टूजली वोट सोलनोइड टू थाउजेंड टर्न एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर कैरिंग अ करेंट ऑफ फोर एम्पियर इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर अलाउिंग इट टू टर्न इन अ अरिजोनटल प्लेन ठीक है तो सोलेनोइड का नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है ठीक है सोलेनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है विच इज ए इसका करेंट भी दिया हुआ है विच इज आई ठीक है और इस सोलेनॉइड को हमने इस तरीके से एक समझ लो कि एक रस्सी के साथ बांध दिया ठीक है सो दैट ये हॉरिजॉन्टल में प्लेन में मूव कर सके ठीक है अब जो है मुझे क्या करना है तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि लेट्स मेरे पास एक सोलेनॉइड है ठीक है जिसको मैंने सेंटर से सस्पेंड कर दिया है मतलब जैसे समझ लो मैग्नेटिक uh, कंपास के अंदर जो नीडल होता है ना उसको हम उसके सेंटर पे पिवोट कर देते हैं ताकि वो हॉरिजोटल प्लेन पे मूव कर सके तो उसी तरह ये सोलिनॉइड भी यू 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 मूव कर पाएगा ठीक है ओके okay. तो अब सबसे पहला पार्ट तो मुझे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड ठीक है अब मैग्नेटिक मोमेंट सिंपल है कैसे हम निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड विच इज कैपिटल एन देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हम हमेशा कैपिटल एन से डिनोट करेंगे सो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई इंटू ए क्योंकि एक सोलेनॉइड में एक सर्कुलर लूप तो होता नहीं है ऐसे मल्टीपल होते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है टू थाउजेंड आई दिया हुआ है फोर एम्पियर एरिया दिया हुआ है पावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो इट 1.28 ठीक है so, तो ये मेरा क्या निकल गया ये निकल गया मेरा मैग्नेटिक मोमेंट ओके सो इतना एम्पियर मीटर स्क्वायर ओके तो दिस सॉल्व्स पार्ट वन विच वॉज रिलेटिवली इजी अब देखते हैं पार्ट बी पार्ट भी पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनोइड इफ अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेवन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस टू टेस्ला टेस्ट सेटअप एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द दोलेनोइड ठीक है तो मतलब यू समझ लो कि हमने क्या किया ये तो मेरा सोलेनॉइड था पहले अब लेट से कि हमने इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया ठीक है और मेरा जो सोलेनॉइड है वो इस मैग्नेटिक फील्ड से लेट से थर्टी डिग्री बना रहा है ठीक है सो लेट से ये जो एंगल है दिस एंगल इज थर्टी डिग्री क्योंकि मेरा सोलेनॉइड तो इज केपेबल ऑफ रोटेटिंग इन अ ऑरिजोंटल प्लेन है ना तो अब लेट से कि ये थर्टी डिग्री बना रहा है तो अब मुझे बताना है कि इस पर फोर्स कितना होगा वेल well, फोर्स तो इस पर जीरो होगा क्योंकि फोर्स क्या होता है जब भी हमने देखा ना बार मैग्नेट को भी आप मैग्नेटिक फील्ड में डाल दो या सोलिनॉयड को भी डाल दो तो इसके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगे सो नेट फोर्स तो यहाँ पर जीरो होगा लेकिन यहाँ पर टॉर्क एक्ट करेगा राइट टॉर्क की वजह से ही ये जो है घूमेगा एंड व्हाट इज टॉर्क टॉर्क इज गिवन बाय एम क्रॉस बी ठीक है जहां पर एम क्या है एम इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था सो दिस इज बेसिकली एम बी साइन थीटा सो एम की वैल्यू कितनी आई थी हमारी वन पॉइंट टू एट निकला था यहां पर बी जो है वो दिया हुआ है यहां पे विच इज सेवन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस टू और साइन थीटा हो जाएगा साइन इंटू थर्टी डिग्री तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी फोर पॉइंट एट इंटू टेन टू द पावर माइनस टू न्यूटन मीटर सो दिस इज गोइंग टू बी द टॉर्क तो आज की ताजा खबर यह है कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट यस अब आप सोच रहे होंगे कि मैम मैग्नेट के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि ठीक है ये होगा एक मैग्नेट बार मैग्नेट हो गया फ्रिज मैग्नेट हो गया ठीक है ऐसी चीजें मैग्नेट होती है बट अर्थ पूरा का पूरा अर्थ इतना बड़ा अर्थ ये एक मैग्नेट है सुनने में थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है बट यस दैट्स द फैक्ट हालांकि ये ताजा खबर आज की तो नहीं है क्योंकि ये बहुत पुरानी खबर है 1600 में विलियम गिलबर्ट नाम के एक साइंटिस्ट ने पहली बार बताया था कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट अब आप पूछोगे कि मतलब इतनी मतलब सरप्राइजिंग सी बात है हम कैसे मान लें कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है आप मुझे एक बात बताओ किसी भी बार मैग्नेट को जब हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो यार वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है कहीं पर भी ले जाओ उसको पहाड़ में ले जाओ समुंदर के पास ले जाओ अर्थ में कहीं पर भी ले जाओ लेकिन वो जो बार मैग्नेट होता है ना अगर वो फ्रीली सस्पेंडेड है तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है ऐसा क्यों होता है खुद सोचो क्यों होता है ऐसा वो बार मैग्नेट को कौन उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करा रहा है कुछ तो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है यानी कि कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के अंदर जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है विच प्रूव्स कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट अब सबसे बड़ा सवाल वॉट कॉजेज अर्थ मैग्नेटिज्म कि भाई अर्थ का मैग्नेटिज्म किस वजह से है अब बहुत सारी थ्योरीज आई सबसे पहले तो एक ऐसी एक्सप्लेनेशन भी दी गई कि अर्थ के अंदर एक विशाल बहुत बड़ा सा बार मैग्नेट है उसी की वजह से अर्थ का मैग्नेटिज्म है जो कि पूरा बकवास है उसके बाद एक थ्योरी आई जिसका नाम है डायनेमो थ्योरी तो डायनेमो थ्योरी ये कहता है कि जैसे कि हम सबको पता है कि अर्थ के लेयर्स होते हैं राइट कोर फिर मैंटल फिर क्रस्ट कोर अंदर वाला उसके बाद मेंटल और क्रस्ट बाहर वाला और उसके ऊपर अर्थ का सरफेस है जहां पर हम सब रहते हैं तो डायनेमो थ्योरी ने बोला कि ये जो कोर है ना कोर के भी दो लेयर्स हैं इनर कोर और आउटर कोर तो आउटर कोर में पाए जाते हैं मोल्टन मेटालिक फ्लूइड्स कुछ मेटल के फ्लूइड फॉर्म में चीजें पाई जाती हैं जैसे कि आयरन निकल जैसे मेटल metal के मेटालिक फ्लूइड्स पाए जाते हैं अब होता क्या है कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है ये जो फ्लूइड्स है इनकी भी मोशन हो रही है अब देखो फ्लूइड की मोशन हो रही है तो ये फ्लूइड्स क्या हैं फ्लूइड्स में एक्चुअली मेटल्स हैं राइट मेटल्स उनकी मोशन हो रही है उनकी मूवमेंट हो रही है यानी कि कौन मूव कर रहा है एक तरीके से चार्जेस मूव कर रहे हैं राइट right? हमें क्या पता है फ्लो ऑफ चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट करेंट और करंट क्या प्रोड्यूस करता है मूविंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड एब्सोल्यूटली स्पॉट ऑन और वहीं से आता है अर्थ का मैग्नेटिज्म राइट right? तो सबको समझ में आ गया कि अर्थ के मैग्नेटिज्म का कॉज क्या है कन्वेक्टिव मोशन ऑफ द मोल्टेन मेटेलिक फ्लू जो कि प्रेजेंट है अर्थ के आउटर कोर में ओके okay. चलो चलो मान लिया कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है बट अगर अर्थ एक मैग्नेट है तो अर्थ का एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल भी होना चाहिए बताओ कौन सा है नॉर्थ पोल कौन सा है साउथ पोल Right? तो कैसे निकाला हमने अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल हमने बोला ठीक है एक मैग्नेटिक नीडल रख देते हैं मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ है वो जिधर पॉइंट किया वो मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया जिसे हम एन एम से डिनोट करते हैं छोटा सा सब्सक्रिप्ट एम लगा देते हैं बिकॉज एन एम इज मैग्नेटिक नॉर्थ उसी तरह मेरा मैग्नेटिक नीडल का जो साउथ है वो जिधर पॉइंट किया वो हो गया मैग्नेटिक साउथ जिसे हम एस एम से डिनोट करते हैं ठीक है तो मिल गया मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ यहां पर एक बहुत खास बात है जो ध्यान देनी है नॉर्मली भूल जाओ अभी मैग्नेटिज्म के बारे में भूल जाओ नॉर्मली अर्थ को जब हम देखते हैं तो अर्थ का एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है राइट right? इस नॉर्थ और साउथ पोल को हम अब से कहेंगे जियोग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट से नहीं आया है ठीक है ओके okay? तो ये जो जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ को जो लाइन कनेक्ट करती है जो एक्सेस इनको कनेक्ट करती है दैट इज कॉल्ड मेरीडियन ये चीजें हमने जियोग्राफी में पढ़ी है राइट right? ओके okay? उसे अब से हम कहेंगे जियोग्राफिक मेरीडियन ठीक है देखा यह गया कि यह जो मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ था वो ज्योग्राफिक नॉर्थ के बराबर नहीं था मतलब दे वर नॉट कोइंसाइडिंग ज्योग्राफिक नॉर्थ यहां पर था ज्योग्राफिक साउथ यहां पर था मैग्नेटिक नॉर्थ यहां पर था मैग्नेटिक साउथ यहां पर था तो इट वॉज लाइक कि ये अगर मेरा ज्योग्राफिक मेरीडियन है ये ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ तो ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है यहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ और यहां पर मैग्नेटिक साउथ बात समझ आई बात समझ आई अच्छे से ओके तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि जो मेरा एक्सेस है ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ वाला और जो मेरा एक्सेस है मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ वाला ये दोनों एक्सेस कोइंसाइड नहीं करते हैं दे आर डिफरेंट एक्सेस क्लियर अमेजिंग तो चलो नॉर्थ और साउथ तो मिल गया अब क्या किया गया अगला स्टेप था कि चलो यार मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के पैटर्न को देखते हैं अर्थ का और जैसे ही हमने वो देखा तो वहाँ पे हमें कुछ और ही दिखा अभी तक हमें क्या पता था किसी भी बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है उसमें जो लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं राइट अर्थ के केस में कुछ और ही मिला अर्थ के केस में हमने देखा कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है वो मैग्नेटिक साउथ से निकल रही है और मैग्नेटिक नॉर्थ में जा रही है और इस पैटर्न को देख करके हमें क्या पता चला हमें यह पता चला कि शायद जिसे हम मैग्नेटिक नॉर्थ बोल रहे हैं वो एक्चुअली में साउथ की तरह बिहेव कर रहा है जिसे हम मैग्नेटिक साउथ बोल रहे हैं वो एक्चुअली में शायद मैग्नेटिक नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है अब ये क्या हुआ ये तो पूरा ही घपला हो गया पूरा झोल हो गया यहां पर राइट लेकिन समझेंगे ठीक है ये घपला इसलिए हुआ कि हमने ये नामकरण कैसे किया था मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ का हमने बोला कि यार हमने कंपास रख दिया कंपास का नॉर्थ जिधर पॉइंट किया वो मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ ऐसा बोल दिया हमने राइट बट खुद दिमाग लगाओ सोच के देखो कंपास का जो नॉर्थ है वो किसकी तरफ पॉइंट करेगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा इजेंट इट राइट right? तो कंपास का नॉर्थ जिधर पॉइंट कर रहा है उस तरफ तो एक्चुअली में साउथ होना चाहिए बट हमने क्या बोला नहीं कंपास का नॉर्थ जिधर पॉइंट कर रहा है वो मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ है घपला समझ में आ गया सबको कि क्यों ये कंफ्यूजन हुआ तो बच्चों अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को अगर मुझे डिफाइन करना हो अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर तो उसके लिए मुझे तीन क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है ठीक है पहला है मैग्नेटिक डिक्लीनेशन जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं दूसरा है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जिसे हम आई से डिनोट करते हैं इसे मैग्नेटिक डिप भी कहा जाता है और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम एच ई से डिनोट करते हैं ठीक है तो ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये तीनों एलिमेंट्स जो है एक साथ में मिल करके हमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी पॉइंट पर डिफाइन करने में मदद करती है इसीलिए इन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ तो चलो डिस्कशन शुरू करते हैं विथ मैग्नेटिक डिनेशन या मैग्नेटिक डिनेशन कैसे भी कह लो सो मैग्नेटिक डेक्नेशन को बहुत बार हम डी से डिनोट करते हैं बहुत लोग इसे थीटा से भी डिनोट करते हैं थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो मेरा जियोग्राफिक मेरीडियन होता है और जो मेरा मैग्नेटिक मेरीडियन होता है ये दोनों कोइंसाइड नहीं करते हैं बिल्कुल नहीं करते हैं. इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसी को ही हम कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन या फिर इसे दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ है और जो मेरा जियोग्राफिक नॉर्थ है इन दोनों के बीच का जो एंगल है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जिसे हम थीटा या फिर डी से डिनोट करते हैं ठीक है सिंपल था इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो एंगल है आपको सोच के ऐसा लग रहा होगा कि दिस इज अ कॉन्स्टेंट एंगल चाहे मैं कहीं भी चला जाऊं ये एंगल हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा बट ऐसा है नहीं इक्वेटर पे इस एंगल की वैल्यू मिनिमम होती है लेकिन जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स में जाएंगे तो इस एंगल की वैल्यू बढ़ जाती है ऐसा क्यों होता है सोच के देखो जो मेरा ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ है वो तो फिक्स्ड है राइट तो ज्योग्राफिक मेरिडियन जो मेरा है वो फिक्स्ड है लेकिन जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है वो फिक्स्ड नहीं है यार क्योंकि मैं जहां पर हूं जिस लोकेशन पे मैं हूं वहां पर जो भी डायरेक्शन मैग्नेटिक नॉर्थ का दिखा रहा है वही डायरेक्शन है तो स्लाइटली जो है मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ मेरा चेंज हो रहा होगा राइट right? ऐसे सोचो मान लो आप इक्वेटर पे हो एग्जैक्टली exactly इक्वेटर पे हो तो जब आप इक्वेटर पे हो अगर आप अपने कंपास को रखते हो तो कंपास का निडल जिधर आपको मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाएगा दैट विल बी वेरी क्लोज टू वेर योर जियोग्राफिक नॉर्थ इज राइट मानते हो सब लोग पिक्चर को देखो क्लियर होगा ठीक है अब मान लो कि मैं हायर लैटिट्यूड्स में जाती रहूं जैसे जैसे मैं हायर लैटिट्यूड्स में जाऊंगी मैं क्या नोटिस करूंगी कि जो मेरा कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ दिखा रहा है और जो मेरा एक्चुअल ज्योग्राफिक नॉर्थ है इन दोनों में जो एंगल है ना वो बढ़ता जा रहा है एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी वे ट्राइंग टू से कि एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जो है ये इक्वेटर पे मिनिमम होता है और हायर लैटिट्यूड्स पे इसकी वैल्यू भी हाई होती है अब यहाँ पर बात करते हैं हम अपने देश की इंडिया की इंडिया का जो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है दैट इज़ क्वाइट स्मॉल क्या कोई बता सकता है इसके पीछे का कारण वेरी सिंपल वेरी सिंपल इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए एंड दैट इज़ इंडिया का लोकेशन ऑन अर्थ पूरे ग्लोब पर अगर इंडिया के लोकेशन पे फोकस करो तो यू विल सी दैट इंडिया इज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर इक्वेटर के काफी पास लोकेटेड है इंडिया इसी वजह से जो मेरा एंगल ऑफ डिक्लीनेशन की जो वैल्यू है वो भी काफी कम है फॉर इंडिया तो चलो अब डिस्कस करते हैं दूसरा एलिमेंट विच इज मैग्नेटिक डिप इसे पॉपुलरली हम डिप ही कहते हैं हालांकि इसका एक दूसरा नाम है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जिसे हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं ठीक है तो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन में हम क्या देखते हैं यह भी एक एंगल है जो एंगल बना रहा है अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड विथ द सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है दैट इज मैग्नेटिक डिप अब इसे समझने का या फिर इसे देखने का एक और नज़रिया हो सकता है जब हम डिक्लीनेशन की बात कर रहे थे तो डिक्लीनेशन में हम कौन से एंगल की बात कर रहे थे हम कह रहे थे कि जो मेरा मैग्नेटिक कंपास जो डिरशन दे रहा है वो वाला डिरेक्शन कितना एंगल बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू जियोग्राफिक नॉर्थ यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस ऐसा हम कह रहे थे डेक्लिनेशन के केस में अब इंक्लिनेशन की बात हो रही है तो यहां पर हम वर्टिकल एक्सिस की बात ना करके हम हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात कर रहे हैं अर्थ का सरफेस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस तो अब हम कह रहे हैं कि भाई हमारा जो कंपास है वो जो भी एंगल हमें दिखा रहा है क्योंकि कंपास हमें क्या दिखाता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है राइट सो कंपास का जो डायरेक्शन है वो कितना एंगल बना रहा है विथ द सरफेस ऑफ द अर्थ उसी एंगल को हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक डिप या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन बात समझ में आई कि इंक्लिनेशन होता क्या है डिप होता क्या है ये समझ में आ गया जहां पर भी डिप रहे डिप इज ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू द हॉरिजोनटल सर्फेस ये याद रखना है डिप इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजोंटल सरफेस ठीक है अब देखो इसकी भी जो वैल्यू है ना ये अलग अलग पोजिशन पे अलग अलग वैल्यूज है बात करो इक्वेटर की ठीक है इक्वेटर पे अगर देखो ठीक है पूरा एक स्पेयर ले लो ग्लोब ले लो इक्वेटर पे अगर देखो तो क्या हो रहा है इक्वेटर पे, मान लो इस एक्सट्रीम कॉर्नर की बात कर रही हूं तो सरफेस ऑफ द अर्थ ऐसे है ठीक है जो मेरा कंपास है उसका ओरिएंटेशन कैसे होगा क्योंकि नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे तो कंपास का ओरिएंटेशन भी ऐसे ही होगा ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ दोनों के बीच में एंगल कितना है जीरो डिग्री साफ साफ दिख रहा है राइट right? तो यानी कि डिप की जो वैल्यू है एट इक्वेटर इज जीरो डिग्री अब चले जाते हैं पोल्स पे लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्थ पोल ऊपर नॉर्थ पोल पे क्या हो रहा है अर्थ का सरफेस ऐसे है है बिल्कुल है अब कंपास का ओरिएंटेशन कैसा होगा ये नॉर्थ पोल है तो ऑब्वियसली कंपास जो है नॉर्थ की तरफ नॉर्थ शो करेगा तो साउथ नॉर्थ ऐसे ओरिएंटेशन है कंपास का सरफेस ऐसा है कंपास का ओरिएंटेशन ऐसा है तो एंगल क्या बना 90 डिग्री अब बात करते हैं साउथ पोल की साउथ पोल में देखो सरफेस ऐसे है मेरा कंपास कैसे पॉइंट करेगा नॉर्थ टू साउथ क्योंकि इधर साउथ पोल है राइट right? तो एंगल क्या हुआ दोनों के बीच का नाइंटी डिग्री सो जो मेरा डिप है इसकी वैल्यू इक्वेटर पे जीरो डिग्री होती है लेकिन पोल्स पे नाइन्टी डिग्री होती है मतलब जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो इसकी वैल्यू भी जो है वो जीरो डिग्री से नाइनटी डिग्री तक इंक्रीज होती रहती है ठीक है सबको समझ में आ गया होगा वट इज मैग्नेटिक डिप अमेजिंग अब देखेंगे तीसरा एलिमेंट तो तीसरा कंपोनेंट हमारा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हमने जब वेक्टर्स पढ़ा था तो हमें ये पता था कि किसी भी वेक्टर को हम एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट और एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं अगर मेरे पास कोई वेक्टर है लेट से आर तो उसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट कुड बी आर कॉस थीटा वर्टिकल कुड भी आर साइन थीटा ये हमने पढ़ा है काफ़ी टाइम से ठीक है तो यहां पर हम किस वेक्टर की बात कर रहे हैं हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की बात कर रहे हैं विच इज लेट से बी ई अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है विच इज एच ई इसका भी एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट है जिसे हम डिनोट करते हैं जेड ई से अभी ये Z, एच ऐसा क्यों यही कन्वेंशन है चूंकि टेक्स्ट बुक में भी यही कन्वेंशन है तो मैंने भी सेम कन्वेंशन फॉलो किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ठीक है ओके अभी अभी हमने बात करी थी मैग्नेटिक डिप की मैग्नेटिक डिप कौन सा वाला एंगल होता है मैंने बताया था मैंने बोला था कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो एंगल बनाता है दैट इज डिप यानी कि बी ई जो है वो हॉरिजोंटल सरफेस मतलब हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब एच ई यानी कि बी ई और एच ई के बीच वाला जो एंगल है दैट इज आई दैट इज इंक्लिनेशन दैट इज डिप क्लियर है यहां तक Okay. अब यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक मैथ्स लगाते हैं ठीक है अब देखो पिक्चर तो क्लियर है तुम्हारे सामने इसमें मुझे बी ई दिख रहा है मुझे एच ई भी दिख रहा है मुझे जेड ई भी दिख रहा है और मुझे एंगल आई भी दिख रहा है तो इस पिक्चर के हिसाब से इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैं आराम से क्या लिख सकती हूँ मैं लिख सकती हूँ कि बी ई का जो हॉरिजोनटल कॉम्पोनेंट है दैट इज बी ई कॉस आई इज इक्वल टू एच ई उसी तरह बीई का जो साइन वाला वर्टिकल कॉम्पोनेंट है दैट इज बीई साइन आई इज इक्वल टू जेड ई लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा Tan आई इज इक्वल टू तो जेड ई बाई एच ई विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इनफैक्ट ये रिलेशन हमें काम आएंगे स्पेशली आपको काम आएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल्स में कई बार आपको एंगल ऑफ डिप दिया हुआ रहेगा कभी हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट दिया रहेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा मतलब इनमें से कुछ वैल्यूज दी हुई रहेंगी कुछ आपको निकालना पड़ेगा ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी सबको समझ में आ गया ठीक है बट जस्ट टू स्ट्रेंदन योर अंडरस्टैंडिंग क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आते हैं ना तो भई उसमें बोल दिया जाता है कि ये थर्टी डिग्री है ये फोर्टी फाइव डिग्री है तो आपको समझना होता है कि वो थर्टी डिग्री कौन सा वाला एंगल है वो फोर्टी फाइव डिग्री कौन सा वाला एंगल है कुछ ऐसा न्यूमेरिकल हम अभी ट्राई भी करेंगे इस वीडियो के अंदर लेकिन उससे पहले इस पिक्चर को थोड़ा और अच्छे से एनालाइज करो ठीक है ये मेरा अर्थ है ये पूरा जो फेयर है दैट इज अर्थ ठीक है इस पूरे फेयर के अंदर हमने बी ई देखा एच ई देखा जेड ई देखा ठीक है लेकिन क्वेश्चन में जब बोला जाता है ना कि ये एंगल इसके साथ बनाता है उसके साथ बनाता है इसको चेंज कर देता है तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इसीलिए इसका ये दूसरा वाला पिक्चर भी देख के रखो कि अगर मान लो इसी फेयर के अंदर से अगर मैं सिर्फ ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है मेरा मतलब जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को कनेक्ट कर रहा है उस मेरिडियन वाले प्लेन को अगर अलग से निकाल लूँ उस के अंदर से तो इट इज़ लाइक यू हैव अ फुटबॉल ठीक है एक बड़ा सा बॉल है उस बॉल के अंदर से अगर एक पतला सा एक प्लेन निकाल लिया तो वो कुछ ऐसा ही दिखेगा और इस प्लेन के अंदर आपको बी ई जेड ई एच ई वो ऐसे ही दिखेंगे दिखेंगे बिल्कुल दिखेंगे ठीक इसी तरीके से अगर आप जियोग्राफिक मेरिडियन का एक प्लेन निकाल लोगे तो वो प्लेन भी एक और शीट की तरह दिखेगा और इन दोनों शीट्स के बीच में जो एंगल है व्हाट इज दैट एंगल टेल मी फास्ट मैग्नेटिक मेरिडियन और मेरिडियन के, बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं अरे यारैग्नेटिकलीशन तो है, तो है, देखो बहुत से बच्चे सोचोगे कि मैम ये वाला क्यों दिखाया पिक्चर और कंफ्यूज हो गए बट एक्चुअली मैं कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिखाई मैं आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल रूट से क्लियर करने के लिए ये पिक्चर दिखाई हूँ बिकॉज लेट मी टेल यू सिर्फ इन तीनों एलिमेंट्स के डेफिनेशंस को पढ़ के और इनके फॉर्मूले को पढ़ के आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये जो पिक्चर है ना इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में नहीं हो जाएगा कि कौन सा एंगल डिप होता है कौन सा एंगल डिक्लीनेशन होता है और कौन सा हॉरिजोटल कॉम्पोनेंट होता है तब तक आप न्यूमेरिकल्स में फंसते रहोगे ठीक है और ये बात साबित हो जाएगी अभी हम दो क्वेश्चन करेंगे बट आप देखोगे वो दो क्वेश्चन भी अगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो चुका है ठीक है तो चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो बच्चों अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया स्पेशली ऑन दीज मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ चाहे डिक्लीनेशन हो चाहे इंक्लिनेशन हो चाहे हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हो हर जगह हमने देखा कि मैग्नेटिक कंपास का जो निडल है दैट इज प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल क्योंकि वही हमें बता रहा है कि भाई कहाँ पे क्या डिरेक्शन है राइट right? अब मैग्नेटिक कंपास के नीडल से याद आया कि नॉर्मली कैसा होता है हमारा मैग्नेटिक कंपास तो मैग्नेटिक कंपास कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर एक ऐसी नीडल होती है जो एक पॉइंट पे पिवोटेड होती है जिसकी वजह से वो यूं मूव करती है तो एक नॉर्मल मैग्नेटिक कंपास का जो ये नीडल होता है ना ये सिर्फ इसी प्लेन में मूव करता है मतलब सिर्फ हॉरिजोंटल प्लेन में मूव करने के वो केपेबल होता है बट ये जो डिस्कशन हमने अभी किया इस डिस्कशन में सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करने वाला कंपास नीडल इज नॉट इनफ क्यों क्योंकि अगर मैं इस कंपास नीडल को पोल्स पे ले जाऊं, राइट right? पोल्स पे क्या हो रहा है ये ये मुझे क्या डिरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर इसको रख दो तो ये हमें नॉर्थ साउथ का ओरिएंटेशन बताता रहता है लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जैसे ही हम पोल्स पे जाते हैं चाहे हम नॉर्थ पोल पे जाएं, चाहे हम साउथ पोल पे जाएं, दोनों ही जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है बिल्कुल वर्टिकली एक तरफ वर्टिकली घुस रही होती है दूसरी तरफ वर्टिकली निकल रही होती है राइट बट एकदम वर्टिकल होती है तो यानी कि एग्जैक्टली एट पोल्स जो है मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कुछ खास रोल ही नहीं है बट मेरा ये जो निडल है ये तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करना जानता है तो यानी कि पोल्स पे मेरा ये वाला जो कंपास का निडल है जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैपेबल है मूव करने के ये एक यूजलेस डायरेक्शन फाइंडर बन जाता है क्योंकि ये मुझे डायरेक्शन बता ही नहीं पाता है राइट right? क्योंकि इसे वर्टिकली तो मूव करना आता ही नहीं है सो दैट इज वेयर वी इंट्रोड्यूस डिप नीडल डिप नीडल की खास बात ये होती है कि वो नीडल जो है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ-साथ वर्टिकल प्लेन में भी मूव कर सकता है तो इट इज लाइक कि पहले जो मेरा नीडल था वो सिर्फ यूं मूव करता था हॉरिजॉन्टल प्लेन में बट अब जो मेरा नीडल है वो यूं यूं भी मूव कर रहा है वर्टिकल प्लेन में समझ गए तो अब जब हम इस डिप नीडल को पोल्स पे लेके जाते हैं तो क्या होता है ये कहाँ पॉइंट करते हैं तो ये स्ट्रेट डाउनवर्ड पॉइंट करते हैं इस तरीके से पॉइंट करते हैं इनफैक्ट जब हम नॉर्दर्न हेमिसफेयर में होते हैं मतलब एक तरीके से समझो अर्थ के ऊपरी भाग में जब तक हम होते हैं तो जो मेरा नॉर्थ पोल होता है डिप नीडल का वो हमेशा डाउनवर्ड्स की तरफ पॉइंट करता है उसी तरह जब हम साउर्न हेमिसफेयर में होते हैं तो मेरा डिप नीडल का जो साउथ होता है वो हमेशा डाउनवर्ड्स टिल्ट करता है ठीक है तो यहां पर मुझे लगा कि इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी टॉक अबाउट डिप नीडल क्योंकि ये डिप नीडल वर्ड जो है ये शायद आप जब टेक्स्ट बुक से भी पढ़ोगे तो कई बार आएंगे आपके सामने और कई बार आप सोचोगे कि ये डिप नीडल और जो मैग्नेटिक कंपास का नीडल होता है क्या दे आर एग्जैक्टली द सेम थिंग सो नाउ यू नो द डिफरेंस राइट और डिप नीडल की बहुत जरूरत होती है बिना इसके हमने ये जो डिस्कशन अभी किया मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ का वो डिस्कशन कर पाना मुश्किन नहीं हो पाता ठीक है सो विथ दिस आई थिंक वी आर डन विथ अर्थ मैग्नेटिज्म बट वी आर लेफ्ट विथ सम न्यूमेरिकल्स चलो गेट योर पेन एंड पेपर एंड लेट्स ट्राई फ्यू न्यूमेरिकल्स तो चलो देखिए प्रॉब्लम नंबर वन अ मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन पैरल टू द मैग्नेटिक मेरी टू डिग्री विदिजॉन्टल बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो नीडल है वो वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है और ये ट्वेंटी टू डिग्री किसके रेस्पेक्ट में बना रहा है विथ द हॉरिजोंटल और हमने कौन कौन से एंगल्स के बारे में पढ़ा अभी एक तो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक डिक्लीनेशन दूसरा हमने पढ़ा था डिप जिसे हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी कहते हैं जो डिप होता था वो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस होता था राइट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ द अर्थ यानी कि ये जो 22 डिग्री वैल्यू दी हुई है दिस वैल्यू इज फॉर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डिप ठीक है ओके द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज नोन टू बी जीरो पॉइंट थ्री फाइव गॉस यानी कि हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट कितना दिया हुआ है 0.35 पॉइंट गॉस इसे अगर हम टेस्ला में कन्वर्ट करें कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि ऐसा SI यूनिट में रखना पड़ेगा सो जीरो पॉइंट थ्री फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर टेस्ला ठीक है ओके अब मुझे निकालना है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस मतलब मुझे बी ई e की वैल्यू निकालनी है ठीक है हमने अभी अभी क्या सीखा था हमने ये सीखा था कि यार जो ये हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट है ये बीई का ही हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है करेक्ट तो इसका मतलब जो ये एच ई बेसिकली बी कॉस वॉट बताओ थीटा क्या है थीटा इज आई राइट यही तो सीखा हमने कि अर्थ के हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट और अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को ही हम क्या कहते हैं आई कहते हैं जैसे मान लो कि ये अर्थ है मेरा ठीक है तो अगर हम किसी भी पॉइंट पर देखें तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना किसी भी पॉइंट पर इसके दो कॉम्पोनेंट होंगे राइट right? एक इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होगा और एक इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा एंड लेट्स से कि समवेयर इज द अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड तो हॉरिजॉन्टल और इसके बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ डिप ठीक है ये पढ़ा था हमने ओके okay, तो हम ये कह सकते हैं कि एच ई इज बीई कॉस आई यानी कि बी ई विल बी इक्वल टू एच ई डिवाइडेड बाई कॉस आई तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ पाना बहुत जरूरी है कि जो वैल्यू दी हुई है वो किस चीज़ की वैल्यू है राइट right? तो यहां पर यह हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर डिवाइडेड बाई कॉस ट्वेंटी टू डिग्री अगर इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे सो द आंसर विल बी ज़ीरो पॉइंट थ्री एट इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर टल an देखो फोर्टी फाइव डिग्री एंगल किसके साथ बना रहा है हॉरीजोंटल के साथ हॉरीजोंटल के साथ जो भी एंगल बनता है वो कौन सा एंगल होता है वो एंगल ऑफ डिप होता है अभी अभी पढ़ा हमने ठीक है वट शैल एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप अब देखो क्वेश्चन ने आपको कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल डिप की वैल्यू निकालो फिर यार ये वाला एंगल तो एंगल डिप ही लग रहा है बट दिस इज एक्चुअली दिसर वैल्यू ऑफ एंगल डिप एपरेंट वैल्यू क्यों क्योंकि देखो जो मैग्नेट है ना उस मैग्नेट को मैंने सस्पेंड किया है विथ थर्टी डिग्री विथ मैग्नेटिक मेरिडियन पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था कि मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरल है ठीक है अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा और डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझते हैं जैसे ये मेरा अर्थ है ठीक है अब मैं मान लो किसी भी पॉइंट की पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रही हूँ लेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट ठीक है अब इस पॉइंट से अगर मैं एक पतला सा ऐसे करके ना एक सरफेस को यहाँ से बाहर निकाल लूँ एक छोटा सा पतला सा सरफेस बाहर निकाल लूँ सो आई वुड गेट समथिंग लाइक दिस ठीक है जहाँ पे और मतलब उस सरफेस को लेट्स से लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट ठीक है लेट्स से मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ ओके एंड लेट्स से कि इस पॉइंट पे अर्थ का जो सरफेस है तो इसे अब हम थोड़ा पहले डिटेल में क्वेश्चन को समझते हैं सो लेट अस सपोज कि ये अर्थ है ठीक है अब अर्थ के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर अगर चले जाओगे तो वहां पर अर्थ मैग्नेट अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होगा और उसका एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा ठीक है एंड लेट्स से कि कुछ यूं इस तरीके से अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा

ठीक है अब इस प्लेन को मैंने कुछ इस तरीके से रखा है यहां पे कि मेरा जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है वो इधर है जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है वो इधर है और जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर है ठीक है अब मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल और टोटल मैग्नेटिक के फील्ड के बीच वाला जो एंगल होता है दैट एंगल इज एंगल ऑफ डिप ठीक है ओके अब यहां पे पिक्चर कुछ और है यहां पे पहले तो ये बोला जा रहा था कि यार जो मेरा मैग्नेट है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग ही है तो कुछ खास कंफ्यूजन नहीं था वहां पे मेरा मैग्नेट यहीं पर था मतलब तो इसी प्लेन में था ये ये जो प्लेन है ये जो मैंने शीट निकाली अंदर से दिस इज बेसिकली माई मैग्नेटिक मेरीडियन मैग्नेटिक मेरीडियन जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट कर रहा है बट ये क्वेश्चन कुछ और कह रहा है तो मतलब यहां से देखा जाए तो ये क्या है ये जो एंगल मुझे दिख रहा है यहां पर दिस एंगल इज माई एक्चुअल एंगल ऑफ डिप ठीक है ये मेरा एक्चुअल है लेकिन अब यहां पर जो मैंने मैग्नेट सस्पेंड किया है ना वो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ थर्टी डिग्री में है मतलब ये वाला जो एंगल है तो मैग्नेट जो है वो इस शीट की तरह नहीं है ये ये ए बी डैश सी डैश डी वाले शीट के जैसे है और ये शीट्स कहाँ पे है एक बॉल के अंदर ही ऐसे 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 शीट्स लगी हुई हैं ठीक है आप समझ रहे हो ना बॉल के अंदर के जो प्लेन्स है ना उसमें से मैंने कोई प्लेन निकाल लिया है ठीक है तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है ना ये एंगल कितना है है है? है तो इसका मतलब है कि अगर मेरा मैग्नेट इस प्लेन में है ही नहीं वो अगर इस थर्टी डिग्री वाले प्लेन में है तो जब मैग्नेट वो थर्टी डिग्री वाले प्लेन में है तो उसका जो एंगल ऑफ डिप होगा वो भी ये एक्चुअल एंगल ऑफ डिप नहीं होगा तो इस केस में जो उसका एंगल ऑफ डिप है मतलब जब मैग्नेट इस प्लेन पर है ए बी डैश वाले प्लेन पे है तब वो नेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज माई एपरेंट एंगल ऑफ डिप बात समझ में आई ओके okay. अब जो हमने एंगल ऑफ डिप के बारे में पहले पढ़ा है उसको यूज करते हैं हमें क्या पता है अगर सिर्फ नॉर्मल एंगल ऑफ डिप की बात करूं मैं सो टैन ऑफ आई क्या होता है टैन थीटा इसका क्या हो जाएगा वर्टिकल कॉम्पोनेंट बाई हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट यानी कि वर्टिकल कॉम्पोनेंट बाई हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट ठीक है लेट अस सपोज कि ये जो टैन आई मैंने लिखा है दिस इज द एक्चुअल एंगल ऑफ डिप ठीक है तो इस पिक्चर के हिसाब से ये होना चाहिए अब अगर मैं अगरेंट वाली सिचुएशन की बात करूं तो वहां पर टैन ऑफ आई एपरेंट क्या हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू द अब देखो जब ये थर्टी डिग्री एंगल पे है तभी भी मेरा वर्टिकल कॉम्पोनेंट तो एज इट इज है वर्टिकल कॉम्पोनेंट को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा बट अब मेरा हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट कितना हो गया बताओ कितना हो जाएगा अब मेरा ये वाला कॉम्पोनेंट क्योंकि समझ रहे हो ये वाला कॉम्पोनेंट चेंज हो गया राइट दिस कंपोनेंट इज नॉट द सेम तो ये वाला कंपोनेंट अभी मेरा कितना हो जाएगा देखो वर्टिकल कंपोनेंट एज इट इज रहेगा लेकिन जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो चेंज हो जाएगा इट विल बिकम एच एपेरेंट ठीक है अब सवाल ये उठता है कि जो एच एपेरेंट है और जो एच ई -E है इनके बीच में रिलेशन क्या होगा करेक्ट क्योंकि अब जो मेरा एज है वो ये वाला एज तो है ही नहीं राइट दैट इज बेसिकली दिस एज क्योंकि मैग्नेट इस वाले प्लेन पे है तो हम क्या कह सकते हैं कि एज अपरेंट जो है वो हो जाएगा एच ई कॉस थर्टी डिग्री ठीक है लुकिंग एट दिस डायग्राम एंड दिस इज द रीजन आई टेलिंग यू कि आपको एकदम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सा एंगल ऑफ डिप है कौन सा ऑरिजोनटल कॉम्पोनेट है कौन सा वर्टिकल कॉम्पोनेट है ताकि इस तरह के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में भी आप ना फंसो ठीक है अब देखो यहां पर इसी पे चलेंगे हम तो इसी को अब हम क्या लिख सकते हैं टेन आई एपरेंट आई एपरेंट की वैल्यू 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई एच ई कॉस्ट थर्टी डिग्री ठीक है अब वीई बाई एच ई को मैं क्या लिख सकती हूं यहां पर लिखा था वीई बाई एच ई इज इक्वल टू टेन आई टेन फोर्टी फाइव डिग्री वन होता है वीई बाई एच ई इसके बदले में मैं लिख दूंगी टेन आई डिवाइडेड बाई कॉस थर्टी डिग्री तो टैन आई जो है दैट विल बी इक्वल टू कॉस थर्टी डिग्री विच इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि एक्चुअल एंगल ऑफ डिप इज इक्वल टू टैन इनवर्स रूट थ्री बाई टू एंड दैट्स अवर आंसर तो चलो अब शुरू करते हैं हम इसी कहानी का अगला पड़ाव यानी कि अगला स्टेप इसके अंदर हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के बारे में किस तरीके से हम किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बता सकते हैं इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हमें पता होने चाहिए तो फिलहाल हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जैसे कि मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक ससेप्टबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमिबिलिटी तो चलो शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है याद है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे ऑर्बिट्स में मूव करता रहता है इस इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड होता है एक मैग्नेटिक मोमेंट याद है ओके अब जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं किसी भी मटेरियल की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या एक इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल नहीं उसमें तो हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ इनके रेस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट्स एसोसिएटेड हैं राइट right? तो अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो सारे एडअप होके आपको देगा एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट करेक्ट सो दिस नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन इट right? तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज मैग्नेटाइजेशन ठीक है सो so, ये जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है दैट इज नॉन जीरो क्यों क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है सबका एक एक मैग्नेटिक मोमेंट है एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एंड सो वन इन सब को एड कर दोगे सो दे विक्टोरियली एडअप टू तो गिव नॉन जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज डिनोट करते हैं कैपिटल क्वांटिटी इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर और इसे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं तो बच्चों यहाँ हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक और नया क्वान्टिटी विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं ठीक है मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है और जैसा कि आप देख रहे हो कि अब इस सोलेनॉइड के अंदर एक मेटीरियल इंसर्टेड है राइट पहले क्या होता था अंदर खाली होता था बट नाउ वी हैव अ मेटीरियल इनसाइड ठीक है और ये जो मेटीरियल है इसका जो मैग्नेटाइजेशन है इस मटीरियल का इसके अंदर हमने एक ऐसा मटेरियल डाला है जिसका मैग्नेटाइजेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि इस मटेरियल का खुद का एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है ठीक है क्योंकि इसका खुद का एक मैग्नेटाइजेशन है तो सोलेनोइड के अंदर का जो रीजन है उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा नाइट जब हम पहले सोलेनोइड की बात करते थे तब हम क्या कहते थे कि मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड अ सोलेनोइड कितना होता था इस सिचुएशन की बात नहीं करूं नॉर्मली बी नॉट कितना होता था म्यू नॉट एन आई वेर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है इसीलिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ठीक है बट अब मैंने क्या किया अब मैंने मेटीरियल इंसर्ट कर दिया अब आप मुझे लॉजिकली बताओ कि अगर मैंने एक ऐसा मटेरियल इंसर्ट कर दिया है जिसका खुद का एक मैग्नेटाइजेशन है तो इसकी वजह से जो मेरे सोलिनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड था क्या वो बढ़ेगा या घटेगा ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि अब उस मटेरियल का खुद का एक मैग्नेटाइजेशन है है ना तो अब जो मेरा नया मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जितना पुराना था प्लस बी मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, जिसको हमने इसके अंदर इंसर्ट किया है ठीक है ओके okay. अब ऐसा फाइंड आउट किया गया एक्सपेरिमेंटली कि ये जो बी एम है राइट right? इस मटेरियल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, इस मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है उससे वो प्रोपोर्शनल है तो उस लॉजिक से हम क्या लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस म्यू नॉट एम ठीक है अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं अगर थ्रू आउट मैं म्यू नॉट से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा बी बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू बी नॉट बाई म्यू नॉट प्लस एम और ठीक यहीं पर हम एक नया क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं और इस नए क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं इस नए क्वांटिटी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर एच सो दिस इज हाउ वी डिफाइन मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इज इक्वल टू बी नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट देखना मैथमेटिकली ये बहुत काम आने वाला है अब ठीक है तो ये हमने एच बोल दिया तो मैथमेटिकली अब मैं क्या लिख सकती हूँ बी बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू एच प्लस एम या फिर मैं कह सकती हूँ कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इन एच प्लस एम तो अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि अब सोलेनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड बी है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है एक तो एच पर राइट और दूसरा एम पर एम किसकी वजह से आ रहा है एम इज ड्यू टू द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटीरियल जो मैंने अंदर डाला है और एच यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है ये किसकी वजह से आ रहा है इट इज ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक करेंट मतलब अभी सोलिनोइड में जितना करेंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज डिनोटेड बाय एच तो इस तरीके से इस रिलेशन से हमें एच और एम दोनों के बीच का रिलेशन पता चला है वॉट इज एच व्हाट इज एम एंड हाउ आर दे डिफरेंट ठीक है तो अगर वापस आते हैं हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच पर तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसका इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से इसका यूनिट है टर्न्स पर मीटर ठीक है इसकी डेफिनेशन से देख सकते हो इसका यूनिट इसका एक दूसरा नाम है मैग्नेटाइजिंग फोर्स जिस तरह से मैग्नेटाइजेशन एम को हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं उसी तरह मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच को हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं तो अब बात करेंगे हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की ससेप्टिबिलिटी ससेप्टेबल वर्ड का मतलब होता है वलनरेबल ओपन टू मतलब जैसे आमतौर पे हम ऐसे कहते हैं ना कि ही इज़ वेरी ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन मतलब उसे बहुत आसानी से इन्फेक्शन हो जाते हैं ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी हमें यह बताता है कि कोई भी मटेरियल एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रेस्पॉन्ड करता है मतलब मान लो एक मटेरियल अपना आराम से बैठा हुआ है अचानक से एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो गया तो वो मटेरियल जो है वो कैसे रेस्पॉन्ड करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड होगा कैसा होगा उसका रेस्पॉन्स ये बताता है मैग्नेटिक सबिलिटी ठीक है अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक कॉन्सेप्ट है जैसे मान लो कि एक संडे uh, इवनिंग है आप आराम से बैठे हो रिलैक्स मूड में ठीक है अचानक आपके पास एक फोन आता है या अचानक आपके पास मैसेज आता है कि कल स्कूल में आपका सरप्राइज टेस्ट है ठीक है अब आप कैसे रिस्पोंड करोगे डिपेंड करता है अगर एक ऑप्शन नहीं हो सकता है कि भाई आप जो है तुरंत पढ़ाई करने बैठ जाओगे और एकदम जोर शोर से पढ़ने लग जाओगे दूसरा ऑप्शन ही हो सकता है कि आप सोचोगे कि अब कल टेस्ट है पढ़ के भी कुछ नहीं होगा तो चलो सोचा था शाम को आधा घंटे पढ़ूंगा बट अब पढ़ता ही नहीं हूं राइट right? तो मतलब पहले केस में मे बी यू मे गेट अट्रैक्टेड टू स्टडीज दूसरे सिनेरियो में यू मे गेट रिपेल्ड फ्रॉम स्टडीज तो कुछ ऐसा ही यहां पर भी सीन होता है ठीक है अब मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो ससेप्टेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं काई से ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है मैथमेटिकली काई इज इक्वल टू एम बाई एच या फिर एम इज इक्वल टू काई एच जहां पर एम इज मैग्नेटाइजेशन एंड एच इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है तो अब बात करते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन की देखो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से दूर चले जाते हैं रिपेल मतलब पढ़ाई करते ही नहीं है जब पता चलता है अचानक से कि भाई कल टेस्ट है तो उस तरह के सब्सटेंसेस को हम कहते हैं डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस दूसरी तरफ कुछ ऐसे होते हैं जिनको जैसे ही पता चलता है कि यार कल एग्जाम है वो पढ़ने लग जाते हैं बिल्कुल पढ़ाई से दोस्ती कर लेते हैं तो उस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटैसेस जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड होते हैं ठीक है सो आई थिंक विद दिस यू गॉट एन आइडिया वॉट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो चलो अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं मैथमेटिकली तो बच्चों मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के डेफिनेशन के हिसाब से जो ससेप्टिबिलिटी है दैट इज इक्वल टू एम बाई एच क्यों क्योंकि जैसा कि मैं हमने अभी बताया कि मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी दैट इज काई मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी ठीक है तो इससे हमें पता चलता है कि मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये एक दूसरे के डिरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तरीके से ठीक है नाउ विथ दिस थिंग जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन था जो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था विच सेड कि म्यू नॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम उसको भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एच प्लस काई एच ठीक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट एच इंटू वन प्लस काई अब यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं हम एक और नया टर्म और इस नए टर्म को हम कहते हैं परमियबिलिटी सो व्हाट इज परमीएबिलिटी सो बेसिकली ये जो वन प्लस काई है इसे हम डिफाइन करते हैं एज म्यू आर म्यू आर मतलब आर इज फॉर रिलेटिव सो so म्यू आर मीन्स रिलेटिव परमियबिलिटी अभी इसको मैथमेटिकली देखते हैं उसके बाद अभी डिस्कस करेंगे कि परमिएबिलिटी एग्जैक्टली exactly होता क्या है ये किसी भी मटीरियल के बारे में बताता क्या है ठीक है बट विथ दिस वॉट वी कैन से बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच इंटू म्यू आर ठीक है तो इसे लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच ठीक है अब यहाँ पर एक चीज और हम देखते हैं कि म्यू नॉट और म्यू आर इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू म्यू विच इज परमीएबिलिटी ऑफ अ मटीरियल ठीक है अभी आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ यू नो एक्सप्रेशन लिखे जा रही हूं बट जस्ट नाउ वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस ठीक है सो विद दैट वी कैन से बी इज इक्वल टू म्यू एच नाउ दिस अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन तो इससे देखो हमें क्या पता चला कि जो एम है ना मैग्नेटाइजेशन जो है ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बेसिकली ऑल दीज टर्म्स आर दे आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर ठीक है ओके okay. अब सवाल ये उठता है कि ये जो परमिबिलिटी के बारे में हमने बात करी परमिबिलिटी का सिग्निफिकेंस क्या है तो वेल परमिएबिलिटी ये बताता है कि कोई भी मटेरियल कितनी आसानी से मैग्नेटाइज होगा चलो देखते हैं तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक परमीएबिलिटी के बारे में तो देखो क्या देखा हमने मैग्नेटिक परमीएबिलिटी जो है वो किसी भी मेटीरियल की एबिलिटी है टू बिकम मैग्नेटाइज्ड मतलब वो खुद के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश करने की उसमें कितनी एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि यार मेरे अंदर मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाए वो बहुत कम इंटरेस्टेड है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए मैग्नेटिक फील्ड राइट तो उसके वो वाली एबिलिटी जिससे वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को एस्टैब्लिश करना चाहे वो बताता है उसकी उस एबिलिटी को बताता है कौन मैग्नेटिक परमीएबिलिटी राइट तो मैथमेटिकली भी आपने देखा कि मैग्नेटिक परमीएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है सो वी सॉ दैट म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस काई जहां पर म्यू आर इज रिलेटिव परमियबिलिटी ठीक इसी तरीके से अगर हम परमीएबिलिटी की बात करें विच इज म्यू तो म्यू और म्यू आर में क्या रिलेशन है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू म्यू आर राइट तो ये जो सारी चीजें हैं ना रिलेटिव परमिएबिलिटी परमीएबिलिटी ससेप्टिबिलिटी ये सारे क्लोजली लिंक्ड हैं आप ऐसे सोच के देखो अगर मैं एक ऐसे सब्सटेंस की बात करूँ ठीक है जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है जैसे कि डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस ठीक है वो क्या होता है जब पता चलता है कि कल एग्जाम है तो वो बोलता है भागो 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 मुझे पढ़ाई करनी ही नहीं है राइट सो दैट इज डाया मैग्नेटिक तो यानी कि ऐसे सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है वो कम है क्यों क्योंकि वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है भागता है तो उसकी ससेप्टेबिलिटी कम है अब आप लॉजिकली सोच के बताओ कि ऐसा जो सब्सटेंस होगा क्या वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश करने में बहुत इंटरेस्टेड होगा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ये तो भाग रहा है भाई जो अप्लाई किया है मैग्नेटिक फील्ड ये उससे भाग रहा है ये उसको अपने पास भी नहीं आने दे रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा तो यानी कि जो डाया सब्सटेंस है इस तरह के सब्सटेंसेस के परमिएबिलिटी भी कम होगी और इनकी ससेप्टेबिलिटी भी कम होगी राइट सो विद दिस एग्जांपल आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज ससेप्टेबिलिटी एंड व्हाट इज परमिबिलिटी राइट जब जो बच्चा जिसे पता चलता है कि एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आया पता चला कि कल एग्जाम है ठीक है उसने कैसे रिएक्ट किया उसने बोला नहीं मुझे नहीं पढ़ना है वो रिपेल कर गया वो दूर चला गया तो जब वो दूर चला जाएगा तो उसके अंदर का जो नॉलेज है क्या वो नॉलेज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो तो पढ़ेगा ही नहीं समझ आई बात विद दिस एग्जाम्पल सो बच्चों प्लीज डो नॉट गेट कंफ्यूज इनको समझो खाली रटो नहीं मैथमेटिकल रिलेशन और डेफिनेशन अंडरस्टैंड वॉट इज परमियबिलिटी वॉट इज ससेप्टेबिलिटी ठीक है चलो आगे बढ़े ओके okay. तो अभी तक हमने जितने भी प्रॉपर्टीज डिस्कस की इनके ऊपर बेस करके हम सारे मटेरियल्स को तीन कैटेगरीज़ में क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ठीक है डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक ठीक है अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस करके हम कैसे बता सकते हैं कि ये यू you नो know, अलग अलग क्लास में फॉल करेंगे बिल्कुल बता सकेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ ये ये एक बस एक छोटा सा ट्रेलर है जैसे मान लो अगर मैं बात करती हूँ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की काई की तो हम देखते हैं कि डाई मैग्नेटिक सब्सटैंसेस के लिए जो काई की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है ससेप्टेबल ये होते ही नहीं है ये बिल्कुल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को देखते ही रिपेल कर जाते हैं भाग जाते हैं तो काई की वैल्यू इनके लिए नेगेटिव होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए क्या होता है काई की वैल्यू पॉजिटिव तो होती है ये अट्रैक्टेड होते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से बट इसकी वैल्यू कम होती है स्मॉल होती है सो दिस इज काई इज पॉजिटिव बट स्मॉल फेरोमैग्नेटिक के लिए काई की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और इसकी वैल्यू भी लार्ज होती है राइट right? तो इसका मतलब देखो सिर्फ काई के वैल्यू के बेसिस पर आप आसानी से बता सकते हो कि कोई भी एक गिवन मटेरियल डाया है या पैरामैग्नेटिक है या फिर फेरोमैग्नेटिक है तो शुरू करते हैं विथ डाया सब्सटेंस तो डाया सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी हमेशा टेंडेंसी होती है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ चले जाएं मतलब जहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है वो वहाँ से दूर ही रहते हैं राइट right? तो वो होते हैं डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस यहां पर मेरा आपसे एक सवाल है इसी डेफिनेशन के ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो एक मैग्नेट है तो क्या वो मैग्नेट डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा सिंपल सा सवाल है क्या एक मैग्नेट डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा बिल्कुल नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा यार अब खुद सोचो मैग्नेट जो है मैग्नेट के आसपास क्या है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तभी तो वो दूसरों को अट्रैक्ट करता है राइट तो मैग्नेट के आसपास स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन मेरा जो डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसे तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से एलर्जी है वो हमेशा वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागता है तो क्या होगा ये मैग्नेट अगर अट्रैक्ट करना चाहे तब भी ये डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ये इससे दूर भागेगा सो एज अ रिजल्ट अ मैग्नेट विल रिपेल अ डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस तो अब अगर हम एक डाया मैग्नेटिक को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें तो क्या होगा यार डाया मैग्नेटिक है तो इसे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड तो ये क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर देगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर घुसने ही नहीं देगा करेक्ट तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं जैसे ही एक डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस आता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके बाहर बाहर से रिपेल होती हुई चली जाती हैं ठीक है तो इसकी वजह से क्या होता है मटेरियल के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाता है हालांकि वो रिडक्शन भी काफी कम होता है ठीक है अब अगर मान लो हम इस डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालें तब क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोले तो कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड कम है इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इसे डालें तो जैसा कि हमें पता है डाया मैग्नेटिक हमेशा क्या चाहता है उसकी हमेशा टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चला जाता है तो ये सब्सटेंस जो है ये कहाँ पे हमें मिलेगा वीकर मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में ही मुझे डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस देखने को मिलेगा तो चलो अब डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस का जो ये बिहेवियर होता है इस बिहेवियर के पीछे कारण क्या है थोड़ा सा और डिटेल में झांक के देखते हैं कि इसके जो कॉन्स्टिटुएंट पार्टिकल्स होते हैं इसके जो कॉन्स्टिटुएंट एटम्स होते हैं उनके मैग्नेटिक मोमेंट के साथ क्या हो रहा होता है इस पूरी पिक्चर में तो डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस के जो कॉन्स्टिटुएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका खुद का कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है लाइक फॉर एग्जाम्पल एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है उनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज जीरो कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है लेकिन जैसे ही हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है इन इनकॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स में भी एक फील्ड डेवलप हो जाती है हालांकि इट डेवलप्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड अगर अप्लाइड फील्ड इधर है तो उनमें जो मैग्नेटिक मोमेंट एस्टैब्लिश होगी वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी और ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ही ये रिपल्शन होता है राइट right? जैसा हमने देखा ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये रिपेल करता है तो वो रिपल्शन इसी वजह से होता है अगर हम बात करें परमिएबिलिटी की या ससेप्टिलिटी की जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था ये वैसे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड से एलर्जी है राइट right? इन्हें खुद को मैग्नेटाइज नहीं करना है भले आप अप्लाइड फील्ड लगा दो भाई हमको मैग्नेटाइज़ होना ही नहीं है तो इसीलिए इसकी परमिएबिलिटी कैसी होती है लेस देन वन होती है इसकी ससेप्टेबिलिटी कैसी होती है नेगेटिव होती है क्यों क्योंकि ये कैसे रिएक्ट करते हैं कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं अप्लाइड फील्ड से ये रिपेल करते हैं राइट बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं है अप्लाइड फील्ड के साथ तो इसकी ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है सो कुल मिला के ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है परमिएबिलिटी लेस देन वन होती है ऐसे सब्सटेंसेस क्या होते हैं डाया तो अब बात करेंगे हम पैरा मैग्नेटिक के बारे में क्या होते हैं ये डाया के ऑपोजिट ठीक है यानी कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है वीक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन की तरफ जाने की ठीक है तो ये जहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उधर जाना चाहते हैं इसका ये भी मतलब हुआ कि अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इस तरह के सब्सटें जो हैं हैं ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं। क्योंकि इन्हें मैग्नेटिक फील्ड पसंद है तो ये उसके साथ जुड़ना चाहते हैं खुद भी मैग्नेटाइज हो जाते हैं हालांकि ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं ठीक है अब यहां पर अगर मैं फिर से आपसे एक सवाल पूछू कि एक मैग्नेट है क्या वो मैग्नेट एक पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा सोचो 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 वेल मैग्नेटिक एक पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा हालांकि वीकली अट्रैक्ट करेगा बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा अट्रैक्ट क्यों करेगा क्योंकि मेरा जो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना उसको क्या पसंद है उसको स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड पसंद है स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगा मैग्नेट के आसपास इसीलिए ये मैग्नेट के आसपास जाएगा तो एज अ रिजल्ट अट्रैक्शन होगा तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं अगर उनकी बात करें तो यहां पर जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अपना एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है यस yes... जैसे पहले मैंने क्या बोला था डायमैग्नेटिक में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उनका खुद का कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता था बट यहां पर इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका खुद का एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है ऑन टॉप ऑफ दैट जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं इनका मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है और वो कौन सा डायरेक्शन होता है अप्लाइड फील्ड का डायरेक्शन होता है डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता था कि अलाइनमेंट तो होती थी बट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड जिसकी वजह से रिपल्शन होता था यहां पर जो अलाइनमेंट हो रही है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड जिसकी वजह से अट्रैक्शन होता है राइट right? जिसके वजह से पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस में हम क्या देखते हैं जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो इस सब्सटेंस के अंदर से होते हुए जाती हैं दैट इज बिकॉज़ ऑफ दैट अट्रैक्शन एक छोटा सा मेमोरी टिप कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार डायमैग्नेटिक में रिपल्शन होता था या पैरामैग्नेटिक में होता था राइट सो so, पी से पैरा पी से प्यार प्यार मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से प्यार मैग्नेटिक फील्ड से प्यार इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनके अंदर से होते हुए जा रही हैं अट्रैक्शन हो रहा है ठीक है बात अगर करें ससेप्टेबिलिटी की या परमिएबिलिटी की तो यहाँ पर देखो एक्जैक्टली exactly, डाया से उल्टा बिहेवियर है तो इसकी ससेप्टेबिलिटी कैसी होगी पॉजिटिव होगी राइट क्यों अप्लाइड फील्ड को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अट्रैक्शन से सो ससेप्टेबिलिटी इज पॉजिटिव परमियाबिलिटी की बात करें तो खुद ये मैग्नेटाइज हो रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड में बिल्कुल हो रहे हैं हालांकि वीकली मैग्नेटाइज हो रहे हैं बट एटलीस्ट मैग्नेटाइज हो तो रहे हैं तो इसीलिए परमिएबिलिटी की जो वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन वन होगी मतलब पॉजिटिव वैल्यू है ठीक है सो so, ये था हमारा पैरा तो चलो इस पैरा बिहेवियर के पीछे जो कारण है उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं यूजिंग द इलेक्ट्रॉन थ्योरी ठीक है तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी बेसिकली ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो क्या रहा है जिसके वजह से कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा है या कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा है सो राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म ये कहता है कि जब हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया उस समय सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि जितने कॉन्स्टिटुएंट पार्टिकल्स हैं उन सब का एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है खुद का ठीक है तो सबका एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट है जैसा कि आप देख रहे हो लेकिन सबका ओरिएंटेशन रैंडम है कोई दाएं जा रहा है तो कोई बाएं जा रहा है कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है राइट चूंकि सबका ओरिएंटेशन रैंडम है इस वजह से जो ओवरऑल नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है मतलब इस पूरे डब्बे के अंदर जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कम्स आउट टू बी जीरो क्योंकि अगर कोई राइट जा रहा है तो कोई दूसरा लेफ्ट जा रहा है तो कैंसल आउट हो गया कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे जा रहा है कैंसल आउट हो गया राइट सो रैंडमली ओरिएंटेड होने की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जा रहा है नेट मैग्नेटाइजेशन नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो है दैट इज जीरो अब पिक्चर में ट्विस्ट तब आता है जब हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होता है तो ये जो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये सारे अलाइन हो जाते हैं मतलब वो डंडा दिखाया तो सारे के सारे एक लाइन में आके लग गए वैसी बात हो गई तो जैसे अप्लाई किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो सबके सब उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ अब जो है नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या जीरो है नहीं है जीरो तो अब इट इज नॉट इक्वल टू जीरो राइट तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं मैग्नेटाइजेशन कहते हैं करेक्ट तो यहां पर क्या हुआ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से मेरा ये जो सब्सटेंस था ये मैग्नेटाइज हो गया एंड दैट्स द बिहेवियर ऑफ अ पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस तो पैरा मैग्नेटिक मटीरियल्स के सिलसिले में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड क्यूरीज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म तो क्यूरीज लॉ एक ऐसा लॉ है जो हमें यह बताता है कि कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज सेम एज मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम उसी को हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं तब कितना वो मैग्नेटाइज होगा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और क्यूरीज लॉ कहता है कि मैग्नेटाइजेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब मैग्नेटाइजेशन बोले तो कैपिटल एम इज़ प्रोपोर्शनल टू वन बाई टी इसे मैथमेटिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि M इज इक्वल टू C इंटू बी नॉट बाई टी जहाँ पर C को हम कहते हैं क्यूरीज कॉन्स्टेंट इसे हम क्यूरीज लॉ इसलिए कहते हैं इट इज़ नेम्ड आफ्टर द डिस्कवरर पायरी क्यूरी ठीक है अब मैथमेटिकली इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं अब जैसे देखो M जो है मैग्नेटाइजेशन इसको हम क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं काई इंटू एच राइट right? याद है ससेप्टेबिलिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये रिलेशन हमने पहले किया है उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे उसी तरह से राइट हैंड साइड पे हम क्या लिख सकते हैं बी नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट इन टू एच भी रिलेशन हमने पहले किया था राइट सो विद दिस एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ क्यूरीज लॉ क्या हो सकता है ये हो सकता है काई इज इक्वल टू सी म्यू नॉट बाई टी तो यहां से हमें ये पता चला कि कोई भी मटीरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है या जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो ना सिर्फ एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड पे डिपेंड करता है बल्कि वो उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है तो अगर टेम्परेचर को घटाते जाओगे घटाते जाओगे तो मैग्नेटाइजेशन एम की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और एक पॉइंट पे आके ये एक सैचुरेशन वैल्यू पे आ जाएगी विच इज एमएस उस सैच्यूरेशन वैल्यू के बाद जो है क्यूरीज लॉ इज इनवैलिड और ये जो सैचुरेशन वैल्यू है जब ये सैचुरेशन वैल्यू रीच हो जाएगी तो जितने भी डाईपोल्स हैं दे विल बी परफेक्टली अलाइंट विद द अप्लाइड फील्ड ठीक है सो दिस क्यूरीज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट लॉ जब हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं एंड विद दैट आई थिंक वी डिस्कस्ड प्रिटी मच अबाउट मैग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस तो अब हम डिस्कस करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन है मटेरियल्स का फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं इन ये वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की यानी कि बिल्कुल कुछ कुछ ये पैरा मैग्नेटिक की तरह होते हैं बट दे आर लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग विल्ड होते हैं मतलब ये बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन अप्लाइड फील्ड जैसे पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस जो थे वो वीकली मैग्नेटाइज होते थे ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं अगर मैं पूछूं कि एक मैग्नेट है क्या वो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ खींचेगा बिल्कुल खींचेगा बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा राइट बल्कि बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा ठीक है सो इट इज़ लाइक ऐसे सोच सकते हो कि पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस का ही थोड़ा सा एक्सट्रीम एंड इज फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस तो भाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसा क्या अलग होता है कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जैसे होते हुए भी इनसे मतलब स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं तो ये डिफरेंस क्यों होता है तो अगर हम इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो इनका भी खुद का अपना एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का खुद का एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है बट यहां पर जो चीज़ अलग होती है दैट इज डोमेन फॉर्मेशन अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है तो आप सोचोगे कि डोमेन फॉर्मेशन क्या होता है सो so, देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है ना कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक स्पेशल इंटरैक्शन होता है जिसकी वजह से वो आपस में छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं छोटे छोटे डोमेन्स बना लेते हैं डोमेन्स बोले तो uh, एक स्टोरी का एग्जाम्पल लेते हैं लेटर सपोज कि आपके स्कूल में एक ग्रुप डांस होने वाला है जिसमें 20 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है ठीक है अब डांस की कोरियोग्राफी कुछ ऐसी है जिसमें वो 20 बच्चों में से पांच बच्चों ने डिसाइड किया कि हम हाथ को राइट में रखेंगे पांच ने डिसाइड किया कि उस टाइम पर हम हाथ को लेफ्ट में रखेंगे पांच ने डिसाइड किया कि हम हाथ को ऊपर रखेंगे और पांच ने बोला हम नीचे रखेंगे so ऐसे तो सुन के कुछ एक्सरसाइज टाइप की फीलिंग आ रही है बट ठीक है ना ग्रुप डांस है तब उस ग्रुप डांस में उस एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा पांच बच्चे ऐसे कर रहे होंगे पांच ऐसे कर रहे होंगे पांच ऐसे कर रहे होंगे और पांच ऐसे कर रहे होंगे तो मतलब जो ट्वेंटी बच्चे थे उन्होंने अपने आप को चार ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया एक एक ग्रुप में पांच बच्चे हैं और हर ग्रुप के जो पांचों बच्चे हैं वो सेम डिरेक्शन में अलाइंड है बात समझ में आई तो इस तरह के जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं इन्हें हम कहते हैं डोमेन बात समझे वही चीज़ यहाँ पर हो रही है यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो मेरा डब्बा था ना जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या था एक डब्बे डब्बे के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उनका खुद का एक मैग्नेटिक मोमेंट था बट वो सारे रैंडमली अलाइंट थे यहाँ वैसा नहीं है यहाँ क्या है उस डब्बे के अंदर ये मैग्नेटिक मोमेंट वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इन्होंने आपस में ग्रुप्स बना लिए हैं ओके okay, मैं ग्रुप नंबर वन में हूं तो हम सब इधर अलाइन करेंगे हम ग्रुप नंबर टू के हैं हम इधर अलाइन करेंगे तो इस तरीके से उस डब्बे के अंदर अलग अलग डोमेन्स बन गए हैं और हर डोमेन के सारे पार्टिकल्स जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड है विच मींस कि हर एक डोमेन जो है उसका अपना एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट है हर एक डोमेन का करेक्ट बात समझ में आई सबको ओके okay. अब देखो क्या होता है तो इस केस में जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा जो मेरे डोमेन्स हैं ना वो अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड मतलब पूरा का पूरा जो डोमेन है वो पूरा का पूरा डोमेन जो है उसकी अलाइनमेंट हो जाती है और उसी के वजह से यहां पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हम देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग एट्रैक्शन होता है एक स्ट्रांग एट्रैक्शन फील होता है ये स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज होते हैं करेक्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आया अभी तो डेफिनेटली तो है क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है को। fact, तो है ही इसकी वैल्यू भी काफी लार्ज है कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बात अगर करें परमीएबिलिटी की तो वैल्यू वन से ज्यादा तो है ही इनफैक्ट इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वन मतलब इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है वेन कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ठीक है आई एम श्योर कि डोमेन फॉर्मेशन में एक्सैक्टली exactly क्या हो रहा है बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है सो लेट्स लुक एट द इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म को डोमेन थ्योरी भी कहा जाता है क्योंकि फेरोमैग्नेटिज्म जो ये बिहेवियर है इसमें डोमेन प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई डोमेन के साथ चक्कर क्या है जब हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में एक बहुत ही स्पेशल टाइप की इंटरेक्शन होती है जिसके वजह से ये आपस में ग्रुप्स बना लेते हैं आपस में ये अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं और उन हर एक ग्रुप को हम डोमेन कहते हैं एक डोमेन के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं जैसे कि अगर आप यहाँ पर इस पिक्चर में जो डब्बा है इसको देखो तो इस डब्बे के अंदर हमें चार डोमेन्स दिख रहे हैं राइट वन टू थ्री फोर अगर देखो फर्स्ट वाले डोमेन में सबके डायरेक्शन सारे पार्टिकल्स एक तरफ अलाइंस है तो इसीलिए ये जो डोमेन है इसका एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम इस पर्टिकुलर डोमेन का उसी तरह डोमेन टू डोमेन थ्री डोमेन फोर सबका अपना एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट है तो हम कह सकते हैं इन सम वे कि ईच डोमेन बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट क्योंकि ईच डोमेन का एक अपना खुद का मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है बट बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि यह जो डोमेन्स हैं ये सारे रैंडमली ओरियंटेड है अगर वन डोमेन को देखो फर्स्ट डोमेन को देखो वो अगर इधर है तो so थर्ड वाला डोमेन इधर है सेकेंड वाला डोमेन अगर इधर है फोर्थ वाला डोमेन इधर है सो so, डोमेन्स के रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से ओवरऑल ये जो सब्सटेंस है दिस सब्सटेंस इज नॉट बिहेविंग लाइक अ मैगनेट समझ गए जो पूरा सब्सटेंस है, ओवरऑल इस पूरे डब्बे के अंदर द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो क्यों क्योंकि बिकॉज ऑफ द रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ द डोमेन्स तो अगर हम इन डोमेन्स के साइज की या इनके नंबर की बात करें सो टिपिकली अ डोमेन का साइज जो होता है एक डोमेन का साइज इज रफली अराउंड वन मिलीमीटर और एक डोमेन के अंदर रफली टेन टू द पावर इलेवन एटम्स होते हैं सो दिस वॉज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि मतलब एक डोमेन कितने किस रेंज का होता है और उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं राइट right? ओके okay. अब देखना यह है कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब क्या मैजिक होता है तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं सो वन ऑफ दीज टू थिंग्स हैपन या तो डोमेन बाउंड्रीज डिस्प्लेसमेंट होती है या फिर डोमेन रोटेशन होता है क्या है ये दोनों चीज़ें पहले बात करते हैं डोमेन बाउंड्रीज डिस्प्लेसमेंट ठीक है मान लो ये मेरा फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक है जिसमें ऐसे डोमेन्स बने हुए हैं जैसे इस पिक्चर के अंदर डब्बे के अंदर चार डोमेन बने हुए हैं ठीक है अब मैंने मान लो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ठीक है इससे क्या होगा अब देखो जो मेरा अप्लाइड फील्ड का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन वाला जो डोमेन है ना उसे लगेगा कि यस बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिधर मैं जा रहा था राइट नोबडी इज़ गोइंग एनी वेयर एनी वेज दिस इज़ जस्ट टू एक्सप्लेन यू सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि जो मेरा अप्लाइड फील्ड का डायरेक्शन है ना उस डायरेक्शन में जो भी डोमेन अलाइंड है वो डोमेन का अगर साइज़ बढ़ जाए मतलब उस डोमेन की जो बाउंड्रीज हैं वो डिस्प्लेस कर गई तो देखो ओवरऑल क्या हुआ ओवरऑल अब इस डब्बे के अंदर चार इक्वल डोमेन्स नहीं हैं एक डोमेन बहुत बड़ा है तो एज अ रिजल्ट उस डोमेन का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमारा चौथा वाला डोमेन उसको कॉम्पेंसेट नहीं कर पाएगा राइट मतलब वन और थ्री ये दोनों पहले कॉम्पेंसेट कर ले रहे थे इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट बट अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि वन का साइज काफी बढ़ गया तो ऐसे केस में ओवरऑल इस सब्सटेंस का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है वो अब जीरो नहीं रहेगा तो यानी कि ओवरऑल ये सब्सटेंस स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा समझ आई ओके okay. दूसरी चीज जो हो सकती है दैट इज डोमेन रोटेशन यानी कि जैसे ही मैंने एक बाहर से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया तो जितने मेरे डोमेन्स हैं जैसे यहां पे चार डोमेन्स हैं वो चारों के चारों रोटेट होने लग गए और अपने आप को रोटेट करके अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर दिया तो ऐसे केस में क्या होगा सारे के सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो मेरा जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है इस पूरे सैंपल का इस पूरे डब्बे का वो काफी बढ़ गया तो क्या हुआ मेरा सब्सटेंस स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो गया हुआ कि नहीं सो सी डीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो एक पैराग्राफ लिखा हुआ रहेगा आप उनको याद कर लोगे रट लोगे दो चार चीजें मतलब करके चले जाओगे एग्जाम देने के लिए बट दैट डजेंट यू नो रियली हेल्प यू लर्न तो इसीलिए क्यों हो रहा है वो समझना बहुत जरूरी है और वो समझाता है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म ठीक है तो फेरोमैग्नेटिज्म क्यों होता है फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर क्यों होता है ये डोमेन थ्योरी के हेल्प से हम सबको समझ में आ गया ठीक है ओके चलो आगे बढ़े तो बच्चों इस डिस्कशन से हमें क्या समझ में आया पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म का जो फर्क है वो किसकी वजह से है डोमेन फॉर्मेशन की वजह से है एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हमने नोटिस किया फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर में वो ये है कि फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है मतलब मतलब ये कि अगर हम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो कोई एक सब्सटेंस जो फेरोमैग्नेटिक था वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है मतलब एट वेरी हाई टेम्परेचर अ फेरोमैग्नेट बिकम्स अ पैरामैग्नेट ऐसा कैसे हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि देखा जाए तो फेरोमैग्नेट और पैरामैग्नेट का बिहेवियर तो सेम ही है जस्ट दैट फेरोमैग्नेट का बिहेवियर थोड़ा एक्सट्रीम है बिकॉज ऑफ दिस एंटायर डोमेन फॉर्मेशन थिंग है ना अब होता यह है कि बहुत हाई टेम्परेचर में जो डोमेन का जो ये स्ट्रक्चर है ये डिसइंटीग्रेट कर जाता है तो जहां डोमेन का खत्म हो गया तो मेरा फेरोमैग्नेट क्या बन गया पैरामैग्नेट बन गया तो ये जो टेम्परेचर होता है जहां पर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बन जाता है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर नाउ डिफरेंट फेरोमैग्नेट्स हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ क्यूरी हैचर जिसे हम टी से डिनोट करते हैं इनफैक्ट एक बार एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्यूरी टेम्परेचर के बियॉन्ड जाके पैरामैग्नेटिक फेज में एंटर कर जाता है तब उसका ससेप्टेबिलिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन कुछ ऐसा होता है काई इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई टी माइनस टी सी टी माइनस टी सी क्या डिनोट करता है कि क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर कितना और इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर और उस टेंपरेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या ससेप्टिबिलिटी चूंकि हम पैरामैग्नेटिक फेज में आ गए हैं पैरामैग्नेटिक फेज में जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उसकी ससेप्टिबिलिटी वैसे वैसे कम होती जाएगी तो फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में इतना कुछ पढ़ने के बाद एक सवाल कई बार दिमाग में आता है बच्चों के और वो सवाल ये है कि हमने ये देखा कि ये जो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर था उसमें क्या हो रहा था कि जैसे ही हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वो जो सब्सटेंस था वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो गया तो सवाल यह आता है दिमाग में कि अगर उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मैं हटा लूँ तो क्या होगा क्या वो सब्सटेंस अभी भी मैग्नेटाइज ही रहेगा या फिर वो सब्सटेंस डीमैग्नेटाइज हो जाएगा वेल well, दोनों ही हो सकता है इनफैक्ट इसी के बेसिस पर हम फेरोमैग्नेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हार्ड फेरोमैग्नेट्स एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स हार्ड फेरोमैग्नेट्स वो होते हैं जो तभी भी मैग्नेटाइज रहते हैं जब आपने एक्सटर्नल फील्ड को हटा लिया है मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो चला गया है बट स्टिल वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज है इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है एलनिको। सो so, एलनिको एक एलॉय है एल्यूमिनियम निकेल, कोबाल्ट एंड कॉपर का तो इस तरह के मटेरियल को हार्ड फेरो को हम यूज़ करते हैं टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स मतलब जिनकी मैग्नेटाइजेशन परमानेंट है वो बहुत टाइम तक मैग्नेटाइज ही रहते हैं और इस तरह के परमानेंट मैग्नेट्स को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं जैसे कि मैग्नेटिक कंपास के नीडल में

तो डाया मटेरियल्स होते हैं जैसे कि कॉपर गोल्ड क्वार्ड्स, मर्करी, वाटर एल्कोहल हाइड्रोजन एंड विद दिस यू ऑल्सो नो कि हमने क्या देखा था कि कोई भी एक मैग्नेट होता है वो सारे मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं करता है राइट हमने देखा था ना जब हमने लेसन शुरू किया था कि यार कि मैग्नेट जो है एक आयरन नेल को तो अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन वो जो है एक पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है राइट या फिर कुछ भी कोई दूसरा सामान ले लो मान लो कॉपर ले लो तो कोई भी दूसरा सामान ले लो जैसे मान लो पानी ही ले लो उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है राइट right? तो ऐसा क्यों हो रहा था क्योंकि देखो आयरन जो है ये फेरोमैग्नेटिक है हमने देखा ना कि पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट और डाया जो है दैट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट राइट राइट तो इसी वजह से कुछ मटेरियल्स को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है कुछ को नहीं करता है अब अगर पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल्स देखें जैसे कि अल्युमिनियम प्लाटिनम क्रोमियम मैंगनीज कॉपर सल्फेट फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो आयरन निकल कोबाल्ट या फिर एलॉयज ऑफ आयरन निकल एंड कोबाल्ट तो प्राइमरीली ये तीन मेरे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसको आप अधिकतर देखोगे ये आयरन नेल्स, मैग्नेट्स वगैरह के बनाने के चीज़ों में इन इन क्षेत्र में यूज़ होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स के बारे में हमने इतनी सारी बातें की एंड फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स में हम देखते हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी है इन दोनों के बीच का रिलेशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स राइट इनफैक्ट यहां पर जो प्लॉट आप देख रहे हो स्क्रीन पर ये प्लॉट हमें बताता है कि कैसे कैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी कि एच को चेंज करने से कैसे कैसे एम चेंज होता है यानी कि मैग्नेटाइजेशन चेंज होता है तो ये जो प्लॉट है दिस प्लॉट एक्चुअली शोज यू कि अगर हम एक सैम्पल लेते हैं

इसे हम हिस्टेरेसिस इस कॉन्सेप्ट को हम हिस्टेरेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इस लूप को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जो M है यानी कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो हमेशा मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी कि H से लैग करता है सो so M लैग्स बिहाइंड H ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस इस लूप को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप ठीक है so, सो तैयार हैं सभी लोग इस लूप को समझने के लिए नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमारे पास एक मटेरियल है विच इज़ इनिशियली अन मैगनेटाइज वो मैग्नेटाइज नहीं है तो इस मटेरियल को अब हम मैग्नेटाइज करेंगे ठीक है तो जैसे जैसे मैग्नेटाइज करेंगे वैसे वैसे इसके बिहेवियर में कैसे चेंजेस आते हैं वो हम देखेंगे इस प्लॉट में तो बच्चों बड़े ही ध्यान से अब हम हिस्टेरेसिस लूप को समझते हैं ना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है हिस्टेरेसिस लूप में हम क्या देखते हैं कि हम एक्स एक्सिस के अबाउट लेते हैं एच एच बोले तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाई एक्सिस के अबाउट हम लेते हैं एम दैट इज मैग्नेटाइजेशन हम देखेंगे कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम जैसे जैसे बढ़ाते घटाते हैं वैसे वैसे मेरा मैग्नेटाइजेशन कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है ठीक है तो हम यहां देखेंगे कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम जीरो से लेकर के पहले ए तक बढ़ाते हैं ठीक है उसके बाद ए से इसको वापस जीरो में घटा देते हैं उसके बाद इसको और ज्यादा नेगेटिव डिरेक्शन में लेके जाते हैं अप टू पॉइंट बी ठीक है तो ये चीजें हम करते हैं और इस दौरान तो दिस इज लाइक वन साइकल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इस वन साइकिल के दौरान हम देखते हैं कि मैग्नेटाइजेशन यानी कि एम कैसे कैसे चेंज हो रहा है ठीक है और वो जो चेंज होता है वो चेंज एक्चुअली फॉलोज दिस कर्व एज यू कैन सी हेयर ठीक है तो ये इस कर्व का पैटर्न फॉलो करता है ओके okay, चलो देखते हैं और इसी कर्व को हमने नाम क्या दे दिया हिस्टेरेसिस कर्व या हिस्टेरेसिस लूप ठीक है और ये पूरा जो साइकिल है दैट इज वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ठीक है तो यहां पर हम कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन तो ये नाम भी मैं लिख देती हूं दिस इज कॉल्ड वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो अब यहां पर हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऑब्जर्व करते हैं जैसे सबसे पहले तो जब एच की वैल्यू देखो हम जीरो से लेकर के ए तक बढ़ाते जाते हैं ठीक है तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी देखो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है फाइनली जब एच की वैल्यू मेरी मैक्सिमम होती है करेक्ट जब एच की वैल्यू बिल्कुल मैक्सिमम होती है तो उस टाइम पर जो एम की मैक्सिमम वैल्यू है मतलब एम की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है तो चलो बच्चों हिस्टेरेसिस लूप को ढंग से समझते हैं तो सबसे पहले तो समझो यहाँ हो क्या रहा है ये प्लॉट को बनाने के के लिए हमने एक्सिस अबाउट ले लिया इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी और वाई एक्सिस के अबाउट हमने ले लिया एम दैट इज मैग्नेटाइजेशन अब हम देखेंगे जैसे जैसे हम एच को बढ़ाते हैं वैसे वैसे एम कैसे बढ़ता है या कैसे घटता है ठीक है अच्छा हम क्या करेंगे इसे जीरो से लेकर के एच की जो वैल्यू है इसको जीरो से लेकर के बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे टिल एक मैक्सिमम पॉइंट तक इसको बढ़ाएंगे लेट अस कॉल्ड कॉल दैट मैक्सिमम पॉइंट ठीक है उसके बाद वापस इसको डी से घटाएंगे 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 लेकर के आएंगे जीरो पर उसके बाद इसको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे अप टू पॉइंट बी

ठीक है तो चलो अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमने यहां से जीरो से एच को बढ़ाना शुरू किया शुरू किया शुरू किया तो एक पॉइंट पर जाके एच की वैल्यू मेरी मैक्सिमम है दैट इज पॉइंट डी और उसी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एम की वैल्यू है दैट इज ऑल्सो द मैक्सिमम वैल्यू ये जो वैल्यू एम की आएगी उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग दैट इज मैक्सिमम वैल्यू यानी कि जब एच की वैल्यू हमने मैक्सिमम कर दी तो उस टाइम पर जो एम की वैल्यू हमें मिली वो भी एम की मैक्सिमम वैल्यू थी ठीक है ओके okay. अब हमने क्या किया एज की वैल्यू को डिक्रीज करना शुरू किया डिक्रीज करते 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 हम जीरो पे आ गए बट नोटिस करने वाली बात ये थी कि जब हमने एज को रिड्यूस करते करते इसको हम रिड्यूस कर दिए अप टू जीरो तो क्या एम की वैल्यू भी जीरो हो गई जी नहीं एम की वैल्यू देखो यहाँ से स्टार्ट हुई थी मैक्सिमम वैल्यू से और ये घटते 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 इस पॉइंट पर आ पहुंची बट ये जीरो नहीं हुई तो उस टाइम पर जो मेरी एम की वैल्यू थी दैट इज नॉन जीरो सो एम की वैल्यू वॉज नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है तो एम की वैल्यू उस समय पर जो थी उसे हम कहते हैं रिटेंटिविटी तो इस टाइम पर एम की वैल्यू कितनी थी ओ OH, एच मतलब ये ये वाली जो लेंथ थी दैट वॉज द वैल्यू ऑफ h, तो इस ओ को हम कहते हैं रिटेंटिविटी नाउ रिटेंटिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिटेंटिविटी हमें क्या बताता है रिटेंटिविटी हमें ये बताता है कि दिस इज रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इसको भी दूसरा टर्म भी याद रख लो क्योंकि इस टर्म से ना इसका मीनिंग ज्यादा अच्छा समझ में आता है ना मेरा H क्या है right? तो ये जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है मैग्नेटाइजिंग फोर्स को मैंने जीरो कर दिया एज को जीरो कर दिया मतलब मेरा मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो हो गया बट स्टिल इस मेटीरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो नहीं हुआ

तीसरे पॉइंट पे हम कहते हैं कि यार अब हम क्या कह रहे हैं ना एज को जो है हम फर्दर जीरो के भी आगे हम इसको और घटाते जा रहे हैं इन इन द सेंस कि हम एज की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव एक्सेस में हम एज की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है देखो एज की वैल्यू बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही तो एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जब एम की वैल्यू जीरो हो जा रही है राइट right? तो इसका मतलब जब हम एज को इंक्रीज करते हैं इन ऑपोजिट डिरेक्शन तो क्या हो रहा है हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जब m की वैल्यू जीरो हो जा रही है तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है इससे हम क्या निकालते हैं इसे हम कहते हैं कोअर्सिविटी मतलब ये वाली जो लेंथ है सो so, ओ जो है दैट इज कोअर्सिविटी अब बताओ आप मुझे खुद से बताओ कि कोवर्सिविटी हमें क्या बताता है कोवर्सिविटी हमें यह बताता है कि जो हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स है उसको कितना ज्यादा घटाने पे या उसको कितना ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाने से तब जाके उस मेटीरियल का मैग्नेटाइजेशन जीरो होगा इसका मतलब अगर किसी मेटीरियल की कोअर्सिविटी बहुत ज्यादा है इसका मतलब है कि इस उस मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए यू रियली हैव टू पुट अ लॉट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ठीक है बात समझ में आई सो दैट इज कोअर्सिविटी सो वैल्यू ऑफ एच टू रिड्यूस एम फ्रॉम रिटेंटिविटी वैल्यू टू जीरो एच की वो वाली वैल्यू जो एम की वैल्यू को जीरो में लेकर आए ठीक है तो अब बच्चों आप ये देखोगे कि हम अलग अलग मटेरियल के स्टेटिस लूप्स को देखेंगे और उनमें हमारा फोकस हमेशा यही रहेगा कि उसकी रिटेंटिविटी कितनी है उसकी कोवर्सिविटी कितनी है राइट यही इसी को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे हिस्टेरेसिस लूप्स के कई एडवांटेजेस होते हैं इनफैक्ट दो मटेरियल के हिस्टेरेसिस लूप को देखते हुए हम उन मटेरियल्स के बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं और उसी के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन मटेरियल्स को हम कहा पर यूज कर सकते हैं राइट right? तो अभी स्क्रीन पर मेरे दोनों तरफ आपको दिख रहे हैं दो हिस्टेरेसिस लूप एक सॉफ्ट आयरन का और दूसरा स्टील का लेकिन देखो दोनों लूप्स के शेप में कितना फर्क है सॉफ्ट आयरन वाले लूप को अगर हम देखें तो उसका जो एरिया ऑफ द लूप है दैट इज वेरी लेस कंपेयर टू द ऑफ स्टील राइट उसी तरह से हर एक लूप की हर एक मटेरियल का जो लूप बनेगा उनमें रिटेंटिविटी की वैल्यू उनकी कोर्सिविटी की वैल्यू ये सारी अलग होंगी और बेस्ड ऑन दो वैल्यूज वी डिसाइड कि उसे हम कहां पर यूज कर सकते हैं तो मैग्नेट्स के बारे में हमने इतनी बातें की तो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के तौर पर कुछ तरह के मैग्नेट्स का हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परमानेंट मैग्नेट्स परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं नाम से पता चलता है कि ये वैसे मैग्नेट्स हैं जो परमानेंटली अपने मैग्नेटाइजेशन को बरकरार रखते हैं मतलब ये वैसे मटेरियल्स होते हैं जो अपनी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को काफ़ी लंबे टाइम तक रिटेन करते हैं ठीक है तो यानी कि अगर मैं प्रिसाइजली प्रॉपर्टी के टर्म्स में बात करूँ तो ये वैसे वाले चीज़ें होनी चाहिए जिनकी रिटेंटिविटी हाई हो रिटेंटिविटी मतलब मतलब मैंने एच को जीरो कर दिया बट स्टिल उसका मैग्नेटाइजेशन हाई है उसी को हम रिटेंटिविटी कहते हैं या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं इसकी कोअर्सिविटी भी हाई होनी चाहिए यानी कि जो मेरा एज है इसको मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में भी बहुत दूर तक लेके जाऊंगी तब जाके इसकी एम की वैल्यू ज़ीरो होगी यानी कि तब जाके इसकी मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो पे आएगी राइट तो बेसिकली परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए मुझे कोई ऐसा मेटेरियल चाहिए जिसकी रिटेंटिविटी भी हाई हो और जिसकी कोअर्सिविटी भी हाई हो अब चलो यहाँ पर देखते हैं कि हिस्टेरेसिस लूप कैसे काम आता है अगर मेरे पास ये दो हिस्टेरेसिस लूप्स दिए हुए हो, एक सॉफ्ट आयरन का और एक स्टील का तो आप खुद मुझे बताओ कि मैं किसे चूज़ करूँगी क्या मैं सॉफ्ट आयरन को चूज़ करूंगी नहीं करूँगी क्यों क्योंकि इसकी कोअर्सिविटी बहुत कम है राइट तो इसका मतलब इसकी जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की जो वैल्यू है वो भले ही कंपेरेटिवली ठीक ठाक है लेकिन कोअर्सिविटी इज सो तो लो मतलब कि एज की जो वैल्यू है ना उसको जैसे ही आप थोड़ा सा कम करोगे क्या होगा आपका जो एम है मैग्नेटाइजेशन है इट विल ड्रॉप टू तो जीरो राइट तो यानी कि सॉफ्ट आयरन इज नॉट द राइट इंग्रेडिएंट फॉर अ परमानेंट मैग्नेट बट स्टील इज क्योंकि स्टील का हिस्टेरसिस लूप अगर आप देखो तो उसकी रिटेंटिविटी भी हाई है और उसकी कोअर्सिविटी भी हाई है दूसरी तरफ अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की आएम प्रिटिश योर कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम बहुत जगह सुना होगा फिज़िक्स में हम अलग अलग टॉपिक्स पे इसका जिक्र करते हैं तो इलेक्ट्रो क्या होते हैं इलेक्ट्रो बेसिकली उस तरह के मटीरियल्स होते हैं जिनकी परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है परमिएबिलिटी बोले तो मैग्नेटाइज़ होने की जो एबिलिटी है मतलब वो अपने अंदर मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी बहुत हाई है मतलब वो फटाफट से मैग्नेटाइज़ हो जाते हैं बट उनकी रिटेंटिविटी लो होती है यानी कि जैसे ही हम एज को कम करेंगे वैसे ही उसका मैग्नेटाइजेशन विल आल्सो ड्रॉप राइट इसका मतलब ये बहुत देर तक अपने जो भी उसकी मैग्नेटाइजिंग बिहेवियर है उसको रिटेन नहीं करेगा ठीक है तो यानी कि इलेक्ट्रो वैसे वाले मैग्नेट्स हैं जो फटाफट -फड़ से मैग्नेटाइज हो जाएंगे और फटाफट -फड़ से डीमैग्नेटाइज भी हो जाएंगे ठीक है ना तो अब मुझे बताओ कि जो हिस्टेरेसिस लूप्स हमने देखें उसमें से कौन सा मेरे लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए बेस्ट चॉइस होगा ऑब्वियसली सॉफ्ट आयरन क्योंकि सॉफ्ट आयरन के केस में देखो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसकी हाई परमिबिलिटी तो होती ही है जिसकी वजह से यह बहुत ही जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है बट यहां पर एक और खास बात है इसका जो हिस्टेरेसिस लूप है इसका एरिया बहुत कम है दैट मीन्स एनर्जी लॉसेस ड्यू टू हिस्टेरे इज वेरी लेस तो देखो हिस्टेरेसिस लूप का एरिया भी काफी कुछ सिग्निफाई करता है राइट तो इसीलिए आपने देखा होगा कि इस तरह के इलेक्ट्रो को हम कई बार ट्रांसफॉर्मर कोर्स में यूज करते हैं राइट बिकॉज वहां पर हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस हो राइट सो so देखो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि जो हिस्टेरेसिस्ट लूप है भाई ये बहुत ही काम की चीज है क्योंकि इस लूप को देखते हुए देखो हम कितने सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में डिसाइड कर पाते हैं ओके okay, तो ये तो कहानी थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में लेकिन ख़त्म कैसे हो सकता है यार लेसन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ट्राई किए बिना तो चलो पेन पेपर लेके तैयार देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो चलो बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम्स ये रहा प्रॉब्लम नंबर वन अ टोराडल्स होलेनॉयड हैज थ्री थाउजेंड एंड अ मीन रेडियस ऑफ टेन सेंटीमीटर ठीक है तो हमारे पास एक टोरोडल्स होलेनॉइड है जो इस तरह का सर्कुलर सोलोनॉइड होता है उसको हम टोरॉयडल सोलोनॉइड बोलते हैं ठीक है इसमें थ्री थाउजेंड टर्न्स है सो नंबर ऑफ टर्न इज थ्री थाउजेंड इसका रेडियस है टेन सेंटीमीटर दैट मीन्स टेन इंटू टेन टू द पावर माइनस टू मीटर्स इट हैज अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑफ रिलेटिव परमियबिलिटी टू थाउजेंड तो रिलेटिव परमियबिलिटी म्यू आर जो है दैट इज टू थाउजेंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर वेन अ करेंट ऑफ वन एम्पियर इज पास्ड थ्रू द सोलेनॉड तो ये सब कुछ दिया हुआ है मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो एक टोरॉइडल सोलेनॉइड में हाउ डू वी नॉर्मली कैलकुलेट बी बी इज गिवेन एज म्यू नॉट एन आई म्यू नॉट तब जब अंदर कोई मटेरियल नहीं है बट इसके अंदर मटेरियल है बिल्कुल है इसके अंदर सॉफ्ट आयरन मटेरियल है तो यहां पर म्यू नॉट नहीं होगा ये हो जाएगा म्यू क्योंकि म्यू हम इस मटेरियल की बात कर रहे हैं राइट म्यू नॉट मतलब परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जब अंदर कोई मटीरियल नहीं है तो यहाँ मेटीरियल है तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एन इंटू आई ध्यान देना है ये एन क्या है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ तो ये हो जाएगा म्यू इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ कितना होगा सोलिनॉइड का सर्कुलर है तो इसका सरकम दैट इज टू पाई आर इंटू आई अब देखो ये सारी वैल्यूज हमारे पास लगभग दी हुई है म्यू को हम क्या लिख सकते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट ये एन डिवाइडेड बाई टू पाई आर इंटू आई तो अब सारी वैल्यूज डाल देंगे म्यू आर की जगह हम डालेंगे टू थाउजेंड म्यू नॉट की वैल्यू होती है फोर पाई इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन एन है थ्री थाउजेंड आई की वैल्यू है वन डिडेड बाई टू पाई आर दैट इज टू इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू है टेन इंटू टेन टू दावर माइनस टू सो दिस कम आउट टू बी ट्वेल्व टेस्ला अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ सिक्स हंड्रेड एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ टू पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव वेबर ठीक है तो ये किसकी वैल्यू है ये मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है मैग्नेटाइजिंग फील्ड वॉट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड कह लो मैग्नेटाइजिंग फोर्स कह लो दैट इज एच तो एच की वैल्यू दी हुई है सो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि ए की वैल्यू दी हुई है मुझे क्या निकालना है मुझे म्यू की वैल्यू निकालनी है मुझे ससेप्टेबिलिटी काय की वैल्यू निकालनी है अब इन सब के बीच का काफी सारा रिलेशन हमने अभी अभी देखा था राइट तो जैसे कि उसमें से एक रिलेशन हमने क्या देखा था कि म्यू जो है B जो है दैट इज इक्वल टू म्यू एच ये एक रिलेशन देखा था हमने राइट right? इसमें से H की वैल्यू दी हुई है म्यू की वैल्यू निकालनी है और B की वैल्यू दी हुई तो नहीं है बट हम निकाल सकते हैं राइट right? क्यों क्योंकि फाइव बी दिया हुआ है विच इज मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इन टू एरिया ठीक है तो हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई एरिया दैट इज इक्वल इंटू टेन टू 5 divided by डिवाइडेड दिया हुआ है कितना जीरो पावर माइनस फोर क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर चेंज किया तो अब जो है वापस अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ तो मैं म्यू की वैल्यू निकाल सकती हूँ बिकॉज म्यू विल बी इक्वल टू बी बाई एच तो बी की जगह मैं लिख सकती हूँ 2.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर माइनस फाइव डिवाइडेड बाई जीरो डिवाइडेड बाई एच सो एच इज गिवेन एज सिक्सटीन हंड्रेड एम्पियर पर मीटर तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट सेवन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर एस्ला पर एम्पियर मीटर ठीक है तो म्यू निकल गया अब मुझे काई निकालना है काई की वैल्यू निकालनी है काय के साथ क्या रिलेशन होता है हमने देखा म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस काई बट म्यू और म्यू आर बराबर नहीं है म्यू आर के बदले में मैं क्या लिख सकती हूँ मुझे पता है कि म्यू इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट राइट सो म्यू आर के बदले में मैं लिख सकती हूँ म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू वन प्लस काई यानी कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू वन प्लस काई राइट अब मुझे म्यू पता है म्यू नॉट तो कांस्टेंट होता है फोर पाई इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन तो मैं आराम से काई की वैल्यू निकाल सकती हूँ तो आप खुद से कैलकुलेट कर लो और ससेप्टेबिलिटी यानी कि काई की वैल्यू निकाल लो फॉर दिस बार तो बच्चा पार्टी इसी के साथ हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड तक और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर का ये वन शॉट वीडियो आपको ज़रूर यूजफुल लगा होगा अगर आपके कॉन्सेप्ट हुए हैं क्रिस्टल क्लियर तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर और मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ टेक केयर बाय बाय